शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गोपाल भैया, हमारे प्रधान रवि बाबू ने तो गांव की काया ही पलट दी। हाँ भैया, शहर जाकर इंजीनियरिंग पास की और उसका उपयोग गांव के विकास करने में किया। नहर बनवाई, पंप लगवाए, घर घर बिजली पहुंचाई। भगवान उनकी उम्र लंबी करे। हाँ भैया, रवि बाबू की कोशिशों से गांव में बच्चों के लिए स्कूल खुला, अस्पताल बना। हम सब गाँव वालों को सगे संबंधियों की तरह चाहते हैं रवि बाबू। अरे भैया, अपनी माता जी को उन्होंने कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि वो उनकी सगी माँ नहीं है। इतना आदर करते हैं उनका। बेशक बेशक, जीते रहो बेटा। माँ, फिर तू ये खाने का सामान चौरंगी लाल जी के घर ले जा रही है? हाँ बेटे, अब उनकी मदद हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? याद है मरते समय तेरे पिताजी ने ताकीद की थी कि चौरंगी लाल उनके दोस्त हैं, हर आड़े वक्त में उनके काम आना। और फिर कल वो हमारे रिश्तेदार बनने वाले हैं। उनकी बेटी नेहा मुझे बहुत पसंद है। माँ, तू रोज रोज उन्हें खिलाकर उनकी मदद नहीं कर रही है, उनको हरामखोरी की आदत डाल रही है। चौरंगी लाल जी दिन भर ताश खेलते और मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते, और उनका बेटा विक्रम, उसका काम है दिन भर आवारागर्दी करना और चोरी चकारी करना। प्रणाम माता जी। कमीने, चोर, पापी, भगवान की उंगली से पैसे चुरा कर भाग रहे। छोड़ दे इसे। मैं नहीं छोड़ूंगा माँ। मैं कहती हूँ छोड़ दे इसे। अरे मेरा हाथ छोड़ दे माँ। रुक जा। एक माँ छोड़ दे मेरा हाथ। अरे हुंडी मुझे दे। मैं कहती हूँ ये हुंडी मुझे दे। एक माँ, मैं आखिरी बार कहता हूँ ये हुंडी छोड़ दे, नहीं तो इस हुंडी के साथ तेरा हाथ भी उखाड़ कर ले जाऊंगा। हरामखोर, माँ के हाथ उखाड़ेगा? जिन हाथों से तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, अपने हाथ उखाड़ जिनसे तू चोरी करता है। मेहनत के पैसों से तेरा पेट नहीं भरता। अरे क्या भरेगा मेहनत के पैसों से पेट, मिलता ही कितना था। तुमने मुझे उस गन्ने की फैक्ट्री में नौकरी तो दिला दी, मगर वहाँ मुझे कूली का काम करने के लिए बोल रहे थे। कूली का मुझे थू? अब मैं क्या इतना गिर गया हूँ कि कूली का काम करूंगा? अच्छा तो क्या करेगा तू? अफसर बनेगा, कंपनी का मैनेजर बनेगा? पढ़ाई लिखाई किया तूने? गवार जाहिल अंगूठा छाप, कोई काम धंधा तो आता नहीं। ये देख, आखिरी बात तुझे कह रहा हूँ, शराबत से वापस जा फैक्ट्री में काम कर, वरना मार मार कर तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। चल जा। हे का बादशाह बेगम, अगर तुम लोगों का आशीर्वाद हो तो दुनिया मेरी गुलाम। ओम गुलामायन महा, ओम दशायन महा, ओम अठ्यायन महा, ओम छठ्यायन महा, ओम भूर्भुव स्वाहा। चिट, ये क्या इस तरीके की है?
ऐसा कुर्ता पहनकर जाऊंगा तो लोग इस बादशाह को गुलाम समझेंगे। कहा है मेरी सड़ी हुई बेगम जानकी? ए जानकी, क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? सवेरे सवेरे मेरा मूड खराब कर दिया। तुझे कुछ अकल शर्म हाया है क्या? नहीं, मैं तेरा पति हूँ और पति बादशाह होता है, बादशाह। सारी जिंदगी पति होने का ढोंस जमाते रहे, आज तक बाजार से चाय की पत्ती तो खरीद कर ला नहीं सके। बकवास बनकर, इस कुर्ते को इस्त्री क्यों नहीं की? ये इस्त्री नहीं तो क्या है? ये इस्त्री है, ये इस्त्री है। मुझे कड़क इस्त्री चाहिए, कड़क। अच्छा, कड़क इस्त्री? हाँ। उसके लिए कपड़ों को चावल की कांजी में डुबोना पड़ता है। यहाँ घर में खाने को चावल तो है नहीं, कांजी में कहाँ से डालूंगी? खाने को चावल नहीं, पहले क्यों नहीं बताया? वो साली बुढ़ी शांति, खाने पीने का सामान क्यों नहीं लाई? लाई हूँ, बेशरम कामचोर निकम्मे लाई हूँ। पाए लगू भाभी जी, जीती रहो भाभी जी। भगवान तुम्हारा साया हमारे सर पर ताश की पत्तों की तरह सजा कर रखे, ताकि मरते दम तक तुम मुक्की खाता रहे। क्या बेशर्मों की तरह हंसता है? अरे मुझले, तेरी बेटी जवान हो गई है, उसकी तो तुझे चिंता है नहीं, खुद बनाओ सिंगार में लगा रहता है। बेटी तेरे लिए सब्जी और तरकारी लाई हूँ, रख ले। तू खड़ी मुँह क्या देख रही, अंदर रख दे जा। ये थोड़े से पैसे रख ले। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं भाभी, बरसों से तुम लोग इस घर को चलाते आए हो, सारा खर्च उठाते आए हो, तुम माँ बेटी ऐसे कब तक हमारा पेट भरते रहोगे? अरे क्या लंगड़े सत्य की तरह बात कर रही है, है? जब तक जिंदा है भरते ही रहेंगे। ये भरते रहेंगे और आप बिना लाज शर्म के मुफ्त के खाते रहेंगे। तेरे बाप का खाता हूँ क्या? बस बस, ज्यादा गर्मी मत दिखा। उसके बाप का नहीं खाता है, मेरे बाप का तो खाता है ना। जिस दिन खुद की मेहनत की खाएगा ना, तब गर्मी दिखाना। जा बाहर जा, काम धंधा देख कुछ। अरे हर दिन क्या काम धंधा देखने का है? लोग क्या हर दिन काम धंधा करते हैं क्या? बीच बीच में आराम भी करना चाहिए, ताश भी खेलने चाहिए। तू आती है कि ताश खेलने? तू बाहर जाता है कि नहीं? जा भीख मांग। क्या है, तेरा मेरा कव्वाली का मुकाबला चल रहा है क्या? मैं कर रही है, अपना खा रही, दूसरे के पेट पे लात मार रही है। चुपचाप बैठ। तुझे भी सुबह सुबह यही घर मिलता है मांगने को? कहीं और जाके भीख नहीं मांग सकता था? निकम्मे पेटू। क्या माँ, गाली तो गरम गरम दे रही हो, चावल बासी दे रही हो, ऐसा चावल चूहे नहीं खाते, तू मेरा खिला रही हो? अरे चाचा, तू कहीं का महाराजा नहीं, भिखारी है भिखारी। तो क्या हुआ, इस संसार को चलाने के लिए राजा और भिखारी दोनों जरूरी है। राजा टैक्स लेता है तो भिखारी भीख लेता है, राजा महल में राज करता है तो भिखारी तुम्हारे दरवाजे पे आके फरियाद करता है, राजा इंसाफ करता है तो भिखारी बासी खाना साफ करता है। तुम्हारे दरवाजे पे आके अगर मैं भीख मांगता हूँ ना, तो तुम मेरे पैसा नहीं करती हो, मैं एहसान करता हूँ मालूम? हाँ तो जा, आज की बात मत आना मेरे दरवाजे पर। तो नहीं आऊंगा, पुलिस वाले की बीवी तो धोन जमाती है क्या? वर्दी वाले भिखारी की बीवी। क्या बोला? हाँ फिर, तू क्या समझती है, गाँव में तेरा एक दरवाजा जहाँ भीख मिलती है, 50 दरवाजे हैं जहाँ पे लोग भीख देने के लिए भिखारियों की तरह लाइन लगा के खड़े रहते हैं और आवाज लगाते हैं, भीखो भिखारी, हाँ मालिक, भीख ले जाओ, मालूम? जाओ, भगवान तुम्हारा भला करे, इसका कोई चांस नहीं है। अबे तानसेन की भिखारी औलाद। बोलो माई बाप। इधर आ जा। आ गया माई बाप। बैठ जा। थैंक यू। अरे झटका क्यों खा गए, मेरी ब्यूटी से जल गए क्या? अबे डामर, मेरी बराबरी में आकर बैठता है, जानता है तुझमें और मुझमें कितना फर्क है? जानता हूँ ना। हाँ फिर? मुझे भीख मांगने के लिए दर दर पे जाना पड़ता है, आपको घर में बैठे ही भीख मिल जाती है। क्या बोला? नहीं नहीं, मैं नहीं बोलता हूँ। फिर सारा जमाना यही कहता है। आजकल तो स्कूल में बच्चों को भी पढ़ा जा रहा है। लात मारूंगा। नहीं नहीं नहीं, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, पिछले महीने पहने मैंने। भिखारी की तरह नीचे बैठ। चल। पायल कहेगा। सच कहा है किसी ने। क्या? जिंदगी एक तराजू की तरह है, जो वजनी है वो नीचे चले जाते हैं, जो हल्के हैं वो ऊपर चले जाते हैं। बकवास बनकर चल, छोकर, कितना कमाया, कितना कमाया? आपसे तो ज्यादा कमा लेता हूँ। एक दिन तुझे इतना मारूंगा ना कि तू अम्मा बाबा पुकारना भूल जाएगा। क्या पुकारना भूल जाएगा? अम्मा बाबा भूल। अभी रोटी नहीं पकी, बाद में आना बाबा। नहीं माई, मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ, ये भीख मांगने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी, चलो ना कल से साथ में भीख मांगते। मत मांगो, मेरा क्या है? गधी कहीं की साली। गुरु क्या है वो देखो। अबे हट। क्यों?
किसी फिल्म की हीरोइन लग रही है। अपने गांव में किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है क्या? पता नहीं यार, मेरी बचपन से तमन्ना थी क्या कि मैं फिल्म का हीरो बनूं। तू गुरु, इसकी मेरी जोड़ी कैसी रहेगी? उसकी और तेरी जैसे बगले और कौवे की होती है ना वैसे। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं मेरी बात कर रहा हूं। पिताजी तेरे को क्या, आपको बोल रही, मुझे थोड़ी बोल रही है। पिताजी कौन है तू? मैं तुम्हारी इकलौती लाडली बेटी नेहा। क्या हुआ पिताजी? अरे नेहा तू तू शहर जाकर अपने आप को कितना बदल लिया। माँ कहाँ है? अंदर है, अंदर जा जा जा। रसोई घर में। 10 सेकंड में कितने सारे सपने देख डाले, सब मिट्टी में मिल गए। ए बंदर मंकी, इस गेटअप में कैसा दिख रहा हूँ? कहाँ दिख रहा हूँ? क्यों ऐसा लगता अंधेरे ने गॉगल पहना हुआ? अरे हट। माँ। अरे बेटी तू आ गई। बेटी क्या देख रही हो माँ? कुछ नहीं। तू कैसी है बेटी? वो बाद में बताऊंगी, पहले मुझे ये बताइए मुझे लेने स्टेशन कोई क्यों नहीं आया? कौन आता? मैं अकेली तो जा नहीं सकती, तेरे पिताजी से कहा था, मगर उनके पास घर के कामों के लिए वक्त ही कहाँ है। शुरू कर दी मेरे नाम की बुराई। गांव में तो मेरे नाम के ढोल बजाती रहती है। बेटी आ जाइए, उसके सामने भी शिकायत शुरू कर दी। माँ शिकायत नहीं कर रही है, फिर? मैं आपसे शिकायत कर रही हूँ आप स्टेशन क्यों नहीं आए। तू बादशाह की बेटी है, तुझे स्टेशन पर लेने जाने की जरूरत ही क्या है? उल्टा तुझे चाहिए कि स्टेशन पर उतरने के बजाय रेलगाड़ी तू घर तक ले आती। तुम कब आई? जब तुम्हारी नजर पड़ी समझ लो तभी आई। वही पुरानी चाल बेटांगी, किसी बात का सही जवाब देना सिखाई नहीं तुमने। समझदारों से सीधी बात करो तो बात का मजा निकल जाता है। अच्छा बाबा, आप जीती मैं हारा, कैसी हैं आप? हाय, कुछ देर पहले तक तो ठीक थी, पर तुम्हें देखते ही दिल में तूफान आ गया। तुमसे सवाल करने का मतलब शहद की मक्खी के छत्ते में हाथ डाल देना। चलो हटो तो सही। अरे ठहरो ना, इतनी जल्दी क्या है, मेरे हाथों में मेहंदी कैसी लगी? बहुत अच्छी, चलो हटो तो सही अभी। ठहरो ना, ये देखो फिसल गया, जरा ठीक कर दो ना। जैसे जैसे तुम्हारी उम्र आगे की तरफ खिसकती जा रही है, वैसे वैसे तुम्हारे कपड़े बदन से खिसकते जा रहे हैं। चलो हटो। बचाओ 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 सीधी तरह पैसा दे दे वरना मां और डालूंगा मैं तुझे। परवाह नहीं, तुम लोग चाहे मेरी जान ले लो लेकिन मैं पैसा हर किसी दूंगा। मैं भोग दूंगा। तू भोंकेगा तो मैं चिल्लाऊंगा। तू चिल्लाता जाएगा मैं भोंकता जाऊंगा। तू भोंकते जाएगा तो मैं काट खाऊंगा। बहुत अच्छा पिट रहे दोनों, जाओ तुम भी पिटो, जाओ जाओ। Yeah!
माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। ये लोग क्यों मार रहे थे, कोई दुश्मनी है? अरे कोई दुश्मनी नहीं है, दरअसल मैं सुबह सुबह मंडी में गया, अपने सारे काम खत्म किए, अपनी रकम रुमाल में बांधी और अंटी में छुपाई और अपने रास्ते चल पड़ा। जब मैं शिव मंदिर पहुंचा तो पीछे से किसी ने कसकर मेरी गर्दन में मारा और तेज धार वाली छुरी निकाल कर मुझे कहने लगा, अपनी सारी रकम निकाल कर मुझे दे दे, नहीं तो भोंक के रख दूंगा। तब मेरे भैंसे वाले दिमाग में आया कि ये आदमी चोर उचक्के हैं और मेरी रकम लूटना चाहते हैं। कितनी रकम है आपके पास? 9 रुपए 12 आने। क्या 9 रुपए 12 आने? हाँ, क्यों? कमाल के इंसान है आप, 9 रुपए 12 आने के लिए आपने अपनी जान जोखिम में डाल दी। ये 9 रुपए 12 आने कीमती हैं या आपकी जान? 9 रुपए 12 आने कीमती है, क्योंकि शरीर में जो जान है वो मेरी है, लेकिन अंटी में जो पैसे हैं वो अमानत किसी और की है। हाँ बाबूजी, मेरे पड़ोसी किशन ने मुझे अपनी मुर्गी दी और बोला कि मंडी में बेचा, अब अगर रकम लूट जाती तो किशन के सामने मेरी क्या इज्जत रह जाती? शंकर अपनी जान गवा सकता लेकिन किसी के सामने अपना ईमान नहीं गवा सकता। कहाँ के रहने वाले हैं आप? धामपुर का। और आप? गंगापुर का। गंगापुर के? सुना है गंगापुर गांव के प्रधान रवि बाबू बहुत ही नेक और अच्छे इंसान है, आप उन्हें जानते? जी वो मैं ही हूँ। आप है? अरे बाप रे बाप, आज तक सिर्फ सुना था कि भगवान इंसान के दिल की तमन्ना कभी ना कभी जरूर पूरी करता है, आज अपनी आंखों से देख भी लिया। आपसे मिलने का बड़ा दिल था बाबूजी, आज आपके दर्शन हो गए। चलिए मैं आपको गाड़ी पे छोड़ देता हूँ। वो सामने केले का झाड़ है ना, वहां आगे को रोक दीजिए, आप घर चलिए। आज नहीं, देर हो गई, फिर किसी दिन आऊंगा। जरूर आइएगा, जरूर, वादा? वादा। अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छा जी। अरे बाबूजी, अगर आपको मंडी में अच्छे जानवर खरीदने या बेचने हो तो शंकर को जरूर याद कीजिएगा, आदमी के बीच रहकर मुझे जानवरों की बहुत अच्छी पहचान हो गई है। तो एक काम कीजिए, एक अच्छी सी दूध वाली गाय दिलवा दीजिए। ठीक है, आप 2 दिन बाद आ जाइए, मैं आपके लिए अच्छी सी गाय ढूंढ कर रखता हूँ। अच्छा बाबूजी, नमस्ते। नमस्ते। माँ, 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 मेरा रिजल्ट आ गया, मैं फर्स्ट डिवीजन में पास हो गई। मेरी बच्ची, भगवान ने मेरी प्रार्थना, अब सारे गांव को मैं मिठाई खिलाऊंगी। क्या बात है भाभी जी, किस खुशी में सारे गांव को मिठाई खिलाई जा रही है? पिताजी, मैं फर्स्ट डिवीजन में पास हो गई। अच्छा, दिखा दिखा दिखा। अरे वाह, आखिर बेटी किसकी है? जब तू अपने माँ के पेट में थी ना, तभी मैंने अपनी सारी बुद्धि निचोड़ कर तेरे भेजे में टपका दी थी। शायद इसीलिए आपकी सारी बुद्धि गायब हो गई है। फिर से शुरू हो गई, अपना काम करना ठीक से, नहीं तो काट के रख दूंगा तुझे, हर वक्त मेरा अपमान करती रहती है। अच्छा बाबा, पहले मेरी बात सुनो, फिर तुम लोग झगड़ा करते रहना। माँ, मैं टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स करना चाहती हूँ। मुझसे क्या पूछती है? रवि से पूछ। रवि से? जिसने आज तक तेरी सारी पढ़ाई का खर्च उठाया है। अरे रवि से पूछने उछने की कोई जरूरत नहीं है, घर में मेरा हुक्म चलता है, उसका नहीं। और मैंने तुझे मास्टर नहीं बनाने के लिए इतना पढ़ाया क्या? अब घर संभालना सीख, अब तो तू बहू बनकर मेरे घर में आएगी। वाह भाभी जी वाह, तुमने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। जाओ, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें, और 2-4 महीने जी लो। अरे सत्यानाश हो तेरा, 2-4 महीने, 200 साल और जीऊंगी, और बहू के बच्चों के बच्चों को देखने के लिए जिंदा रहूंगी, समझा? और इसी महीने रवि से तेरी मंगनी कर दूंगी। चुपके से दिल ने लिया तेरा नाम, शर्मा के होने लगी है गुलाबी शाम। धीरे से चुपके से दिल ने लिया तेरा नाम, शर्मा के होने लगी है गुलाबी शाम।
छुपाया, ये प्यार छुप न पाया, अब चाहे जो भी हो अंजाम सजने, धीरे से चुपके से दिल ने लिया तेरा नाम। वापस आ रहे हैं, मेरा रत्ती भर भी ख्याल नहीं। वो गंगापुर का प्रधान मिल गया ना आपको? अरे वो प्रधान पैसे वाला होगा तो अपने घर का होगा, उसके सर पर क्या सोने के सींग उगे हुए?
उसके खेतों में अनाज की जगह हीरे उगते हैं क्या जो उसके लिए इतने पीछे जाते हो? जी सुनिए, मैं आपका बापू नहीं हूँ। जी किसे मिलना है आपको? जी शंकर जी से, उन्होंने मुझे आज बुलाया था। अच्छा आइए। धन्यवाद। बैठिए, बापू अभी आ जाएंगे। क्षमा कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। जी मैं ही हूँ गंगापुर का प्रधान रवि कुमार। जी जी वो मैं अभी बापू को बुलवाती हूँ। गंगा, अरे ओ गंगा, इधर आ, इधर आ। क्या है दीदी? वो मूछों वाले चाचा है ना, उनके यहाँ जा, वहाँ मेरे बापू होंगे, उनसे कहना कि गंगापुर के प्रधान आए हैं, जल्दी आइए। ठीक है? क्या कहेगा? धनपुर की गंगा आई है, जल्दी आइए। अरे गंगापुर के प्रधान, लीजिए। माफ कीजिए, मैंने बहुत कुछ गलत कह दिया आपको। अरे नहीं नहीं, सब कुछ सही कहा आपने, सिर्फ एक बात में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी। बड़ा आया प्रधान के ही का, उसके सर पर सिंह है क्या? देखिए सिंह है। अरे बाबूजी आप, अरे आप जमीन पे क्या बैठ रहे हैं, ऊपर आइए। अरे जमीन का आदमी हूँ, जमीन पर ही अच्छा लगता हूँ। शंकर जी आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। सच्चाई से क्या शर्मिंदा होना, आप कब आए? बस कुछ ही देर हुई। माँ कसम बाबूजी, श्री कृष्ण जब सुदामा के घर पधारे तो जितनी खुशी सुदामा को हुई थी उतनी मुझे भी हो रही है। हाँ मैंने वो गाय का सौदा 1,000 रुपए में तय कर लिया है, एक बार आप भी चलकर देख लीजिए। आपने देख लिया, काफी है। ये लीजिए, और ये क्या है? कमीशन। उठिए जी, उठिए। किशन जी जरा बताइए इन्हें, आपने कभी ऐसी बातें करके सुदामा का दिल दुखाया था? जरा बताइए इन्हें, ये मेरे दोस्त हैं, कमीशन देने चले हैं। अरे जाओ, हम आपसे बात नहीं करते। अच्छा बाबा माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसे गलती कभी नहीं हुई। ये देखिए पैसा रख दिया और कान पकड़ता हूँ। अच्छा अब मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे जाएंगे, पहली बार घर पे आए तो खाना वाना खा के जाओगे? नहीं, ना? नहीं, खाना वाना नहीं खाओगे तो दोस्ती का घोर अपमान होगा। बस बापू क्या है? क्या बात है बेटी? बाबूजी आपने नहीं खाने पे क्यों रोक लिया? क्या मतलब, मेरे दोस्त हैं। लेकिन घर में तो कुछ भी नहीं है खाने को। कुछ भी नहीं है, सिर्फ चावल की कांजी है। सिर्फ चावल की कांजी है, मैंने तो खाने पर रोक लिया है। शंकर जी। हाँ जी बाबूजी। वो आपको बताना भूल गया था, आज मेरा उपवास है। उपवास? हाँ वो हाँ शंकर भगवान का उपवास है, और किसी दिन आऊंगा, ये खाना आप पे उधार। अरे खाना उधार रहा, चावल की कांजी तो पी सकते ना। लाओ बेटी। अरे लाओ। नहीं नहीं, अरे उपवास में कांजी पीते हैं। लाओ 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 ना बेटी, बेटी लीजिए बाबूजी। अरे मुझे नहीं, बाबूजी को दो। बाबूजी बाबूजी। वाह मजा आ गया, जिंदगी में हमने ऐसी चटनी कभी नहीं खाई। खाते खाते इंसान अपनी गलती से उंगलियां खा जाए और पता ना चले। ये नारियल मिर्ची धनिया इनका मिश्रण तो कमाल है। जी मैंने तो सिर्फ मिर्ची नमक पीसा है। ओ फिर ये आपकी उंगलियों का कमाल होगा। बहुत अच्छा खाना बनाती है ये। बाबूजी बुरा ना माने तो एक बात कहूं? कहिए। आपके यहाँ मेहनत मजदूरी करके दो वक्त की रोटी कमाने वाला एक अच्छा सा लड़का हो तो जरूर बताइएगा। चंदा के हाथ पीले कर लूं तो फिर मैं भी गंगा नहा लूंगा। रामपुर से एक अच्छा रिश्ता आया था, पता नहीं से शादी करने से क्यों मना कर दिया। बापू मैं तुम्हें छोड़कर इतनी दूर नहीं जाऊंगी। सुना आपने, मुझे छोड़कर दूसरे गाँव तक नहीं जाएगी। बिल्कुल, और लोगों के तो रिश्तेदार होते हैं, मेरे बापू का कौन है? सिर्फ मैं। अगर मैं चली गई तो एक दिन भी रहा जाएगा तुमसे? तुम ठीक तो कह रही है, अगर ये चली गई तो आपकी देखभाल कौन करेगा? आप चिंता मत कीजिए, आज से चंदा के हाथ पीले कराने की जिम्मेदारी मेरी। नमस्ते। नमस्ते। आइए। गुरु चलते टाइम आपकी टांगे हिलती हैं। अरे जरा दूर रह जा यार। कितना पीछे रहा हूं? बदबू आ रही है। नमस्ते मालिक। नमस्ते। ए इधर आओ। जी मालिक। नजदीक आओ। जानता नहीं हम कौन है? जी आप प्रधान बाबू के होने वाले ससुर हैं। और ससुर के सामने सर पर पगड़ी बांधकर घूम रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? पगड़ी उतार, कमर में लपेट ले, चल हट। राम राम मालिक।
हराम खोर, चर्बी चढ़ गई है। नहीं मालिक, इतने बड़े आदमी का अपमान करता है। नहीं मालिक के बच्चे, है? तुझे नहीं मालूम कि हम गांव के प्रधान रवि बाबू के होने वाले ससुर है, और उनके सामने तेरी ये मजाल कि सर की पगड़ी खोलकर कमर में बांध ली। मालिक, आपने कल्लू को मारकर पगड़ी कमर से बांधने के लिए कहा था, इसीलिए किया। लेकिन जब तक हम थप्पड़ नहीं मारते, हुकुम नहीं देते, गाली नहीं देते, पगड़ी सर पर ही होनी चाहिए। बांध पगड़े, रात को भी बांध के रखना, नहीं तो सर काट दूंगा। जा। अबे जानवर। जी बड़े भाई। ये छाता तू किसके लिए पकड़े हुए है? अपने लिए। अच्छा है? क्या ये छाता हमने तुझे भीख में दिया हुआ है? नहीं सरकार, इंसान जो चीज खुद भीख में लाता है वो दूसरों को भीख में कैसे दे सकता है? फिर बकवास। देखिए, ये आप पहचान के खिलाफ है। आप कौन है? आप राजा हैं, बड़े आदमी हैं। मैं आपका वजीर हूँ, इसलिए मारामारी बंद। मारने का काम मेरा। अगर आज के बाद आपको भी मारना होगा ना, तो मैं मारूंगा। ओहो, अब देखिए मैं कैसे गोल खिलाता हूँ। फॉलो मी। ओहो, नमस्ते मालिक। हॉल्ट, पतली जात के मोटे जानवर, हराम खोर, तूने इनको क्या समझ रखा है? ये कोई जलील है, लुच्चे है, लफंगे है, कुत्ते है, गधे है, कौन है? कितनी गालियां दे रहा है? गाली नहीं दे रहा हूँ, फिर मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ। इसको याद दिला रहा हूँ कि आप इस गांव के प्रधान के होने वाले ससुर हैं, और इसने आपके सामने कमर के नीचे कपड़ा बांधा हुआ है। आराम खोर, निकाल इसको। अरे नहीं नहीं, रहने दे रहने दे। ये महाराज। अरे बाप रे, अरे सत्यानाश हो जाए तेरा, ये देख क्या क्या दिखा रहा है। करीब आके दिखा। अरे नहीं, अरे एक बात याद रखना, मरते दम तक अरे बाप रे इसी हालत में हर रोज सुबह इनके पास जाना, सुबह दोपहर शाम और रात इनको सलाम करना, एक एक घंटे तक। खुश महाराज। आराम खोर, ठहर जा, कमी में कहता है भिखारी की औलाद, ठहर साले। चल बांट ये अपना 5 रुपया। गुरु, तुम्हारा गुंगा माल आ रहा है। गुंगा? अरे हाँ, वही उमा गुंगी। अरे आराम सादी। वो बात छोड़िए, जो काम दिया था वो पूरा कर लिया ना? जी हाँ। गुप्ता जी। जी। वो मंदिर के लिए इंजीनियर तिवारी साहब ने बात कर ली? जी हाँ। और तालाब के काम का क्या हुआ? वो कल से काम शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छी बात। प्रधान जी, प्रधान जी, हम लुट गए, बर्बाद हो गए, हम किसी को अपना मुंह भी दिखाने के काबिल नहीं रहे। क्या हुआ? मेरी गुंगी बच्ची की इज्जत लुट गई बाबूजी। किसने किया ये घिनौना पाप? चौरंगी लाल के बेटे विक्रम ने। आओ रवि बाबू, आओ, तुम भी एक चुस्की ले लो। Ugh!
घर का मामला नहीं, गेहूं का मामला है। अरे चल, आज तो मैं जा रहा हूँ रवि बाबू, लेकिन जिस दिन जेल से छूट कर आऊंगा तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। वाह, आखिर बेटा किसका है? निकलो इसे। अरे रवि, ये क्या किया तुमने? मेरा एक ही बेटा है, मेरी आंखों का तारा, उसे जेल भिजवा दिया। अरे मेरे बुढ़ापे की लाठी को जेल में ठूस दिया। तुम्हें अपने बुढ़ापे की लाठी की फिक्र है हा? और इन बूढ़े माँ बाप का दुख तुम्हें नजर नहीं आ रहा है? अरे इनकी बच्ची की तो जिंदगी लूट गई, गुंगी का हाथ तो वैसे कोई नहीं थमता, ऊपर से इसकी इज्जत लूट गई, अब इसके सर पर इज्जत का पल्लू कौन डालेगा? बाबूजी, मैं उमा का हाथ थामूंगा, इसके सर पर मैं इज्जत का पल्लू डालूंगा। राकेश? हाँ बाबूजी, और मैं वादा करता हूँ जिंदगी भर उमा को इस बात का कभी ताना नहीं मारूंगा, क्योंकि इसमें इसका कोई दोष नहीं है। आदाब रवि बाबू। अरे जुम्मन मियां, कैसे आना हुआ? जी, मैं ये पूछने आया था कि गन्ने की फसल के लिए और कितने रुपए आपको एडवांस चाहिए? गन्ने की फसल के लिए? लेकिन गन्ने की फसल के लिए तो आपसे कोई बात नहीं हुई थी। ये क्या कह रहे हैं रवि बाबू, ये बात तो तय हो गई थी कि गन्ने की फसल आप हमें बेचेंगे। 10,000 रुपए मैं एडवांस भी दे गया था। 10,000 एडवांस? जी। किसे दे गए थे? आपके होने वाले ससुर चौरंगी लाल जी को। चौरंगी लाल जी, ये रसीद भी मुझे भिजवा दी थी जिस पर आपके दस्तखत। चलो हटो, पहले काम की बात करो। अरे काम ही की तो बात करने आया हूँ मेरी ईंट की रानी, जब तू एक आध दिन मिलती नहीं है ना, तो मैं रात भर तेरी याद में सोते रहता हूँ और सपनों में जागते रहता हूँ। तू एक काम करना, मुझे हर दिन इस कुएं के पास मिलते रहना, हम दोनों मिलकर मेंडीकोट और पेटीकोट खेलेंगे। चलो हटो, हमेशा अपना गंदा मतलब लेके आ जाते हो। पहले ये बताओ मेरे काम का क्या हुआ? तेरा कौन सा काम? मेरा कौन सा काम? तुमने मुझसे नहीं कहा था कि मुझे 5 एकड़ जमीन लेके दोगे और उसमें एक बोरिंग पंप भी लगा के दोगे, कहाँ है वो सब? बोरिंग बोरिंग पंप 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 तो तैयार है, सिर्फ मैं जमीन ढूंढ रहा हूँ। जैसी जमीन मिल जाएगी ना, मैं पंप फिट करवा दूंगा। गुस्सा क्यों होती है? ए देख, मैंने तेरे लिए शहर से रेशमी साड़ी और हलवा लाया हूँ, तू जल्दी से मेरे सामने साड़ी पहन ले, फिर हम दोनों मिलकर हलवा खाएंगे। मुझे नहीं चाहिए। अरे पहन लेना। गाँव के प्रधान जी। अरे बाप रे, नहीं आए, मैं आया हूँ। अरे सत्यानाश हो तेरा, मेरी तो जान निकल गई। अभी कहाँ निकली है, अभी तो शुरू किया है। तू किस लिए आया है? वो शैतान की गाड़ी का पेट्रोल लाया हूँ। अरे सीधे से बोलना, शराब लाया। एक ही बार शराब पिएगी? मैं नहीं पीती, मुझे देर हो रही है। अरे तू हलवा तो खा के जाना। मैं जाती हूँ। अरे साड़ी तो पहन के जा। मैं पहन लूं? तू इतनी जल्दी काहे को आया? इतनी जल्दी? 3 घंटे के बाद मैं आया हूँ। 3 घंटे में तो इंडियन पिक्चर खत्म हो जाती है इंडियन न्यूज के साथ में। तुम्हारी पिक्चर लंबी है क्या? ये रील में कचरा आ गया। अरे तेरी तो पाँव पाँव हवा में रोक लीजिए, हो सके तो दूसरा भी हवा में उठा लीजिए। आपकी बर्बादी का टाइम आ रहा है। कहाँ से? वो देखिए। अरे बाप रे, मैं चलता हूँ। कहाँ? आपके लिए भीख में कफन मांगने। अरे साले भिखारी का बाप। नमस्ते। ये आप क्या कर रहे हैं? अरे सवेरे से तुम्हारे ही खेत में काम कर रहा हूँ, खाना तो छोड़ो, चाय तक नहीं पी मैंने। वैसे ये खेत मेरा नहीं है, शंभुनाथ जी का है। हाँ, दूसरी बात, जिनका पेट हराम के माल से भर जाए उन्हें खाने की भूख कम लगती है। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल सही पत्ता फेंका। क्या मतलब? मेरे नाम से जाली रसीद काट के जुम्मन शेख से 10,000 रुपए लिए गए हैं। 10,000 जाली रसीद? जरा दिखा दो। ये तो वाकई जाली रसीद है, लेकिन ये ब्लफ किसने मारा, कौन है वो? देखो, मुझे गुस्सा आने से पहले बता दो कि वो नालायक कौन है, ताकि मेरे दामाद को फंसाने वाले को मैं बीच बाजार में खड़ा करके उसके सर पर जूते मार मार के उसकी शक्ल बिगाड़ दूं। बराबर है ना? बोलो बोलो। ये लो जूता। किसको मारूं?
सबके सामने खड़े होकर अपने सर पे मानना शुरू कर दो। क्या मतलब? ज्यादा चालाकी का रंग मत दिखाओ, सीधे सीधे अपना जुर्म मान लो, वरना पुलिस में दे दूंगा तो उल्टा लटका कर डंडे मार मार कर सच उगलवा लेगी। पुलिस पुलिस में जाने की क्या जरूरत है? ये तो अपने दामाद और ससुर के बीच की बात है। मैंने ही वो जाली रसीद लिखवाई थी, वो ₹10,000 भी मैंने ले लिए। वो रकम कहाँ है? खर्च हो गए। खर्च हो गए? हाँ। तुमने और तुम्हारे बेटे ने सारे गांव वालों के सामने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। मेरे पिता ने मरते वक्त मुझसे वादा लिया था कि चौरंगी लाल और उसके परिवार की हर आड़े वक्त में मदद करना, क्योंकि वो मेरा दोस्त है। और बरसों से पिताजी को दिया हुआ वादा निभा रहा हूं, लेकिन अब बंद खून चूसने वाले सांपों के साथ इंसानियत से पेश आना पाप है और जानवरों जैसे बर्ताव करना पुण्य है। गुरु, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे अंदर से कैसी कैसी आवाज आ रही है? मेरे कलेजे में जो बदले के खेत है उसमें आग लगी हुई है। तुम्हारे अंदर खेत भी है? अच्छा, बहुत घमंड है उस रवि को अपने आप पर। लेकिन मैंने उसका घमंड नहीं तोड़ा ना, तो मेरा नाम चौरंगी लाल नहीं बेरंगी रख देना। अरे उसने अभी तक मेरा असली रंग देखा कहाँ है? अरे मैं उस रवि के बच्चे का घमंड मिट्टी में मिला दूंगा भिको। बस मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जिस दिन वो मेरी बेटी के गले में मंगलसूत्र पहनाएगा। जिस दिन उसने नेहा के गले में मंगलसूत्र लटकाया, उसी दिन मैं सांप बनकर उसकी दौलत के गले में लटक जाऊंगा और डंक मार मार कर उसकी दौलत उजाड़ कर दूंगा। बापू, वो गंगापुर के प्रधान जी आ रहे हैं। प्रधान जी? ये भगवान, कहीं वो गाय बीमार तो नहीं पड़ गई? बाबूजी, नमस्ते शंकर जी। बाबूजी कैसे आना हुआ? एक मिनट, सब ठीक तो है ना? हाँ। वो गाय को तकलीफ तो नहीं दे रही ना? अरे नहीं नहीं, मैं गाय बाय के सिलसिले में नहीं आया। तो फिर आपने कहा था ना कि आपकी बेटी के लिए कोई अच्छा सा लड़का देखूं। हाँ हाँ, वो लड़का मिल गया है। अरे आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए भाई। बाहर तो कोई नहीं। बाहर नहीं है शंकर जी। तो फिर वो लड़का आपके सामने है। सामने? आप? जी। ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? हाँ शंकर जी, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। बाबूजी, ये सच है कि जब सूरज की किरणें चांद पर पड़ती हैं तो वो रोशन होकर सारी दुनिया को रोशन करता है, लेकिन आप मेरी चंदा को आसमान तक नहीं। बाबूजी, आपका और चंदा का क्या मुकाबला? बाबूजी, शंकर जी, मैं आपकी हैसियत नहीं, आपकी शराफत को देखते हुए आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूं। अगर आपको सोचने के लिए वक्त चाहिए तो अच्छी तरह से सोच के फैसला सुना दीजिए। सोचना तो यह है कि यह सपना है या हकीकत है। उस दिन आपने मुझे मौत के मुंह से निकालकर नई जिंदगी बख्शी है, और आज आप मेरी बेटी के गले में मंगलसूत्र बांधकर उसे ऊंचे खानदान की बहू बनाने की बात कर रहे हैं, एक कच्ची मिट्टी को संगमरमर का रूप दे रहे हैं, अब मनुष्य के रूप में भगवान का अवतार लेकर आए बाबूजी। नहीं शंकर जी, मुझे भगवान का अवतार नहीं, सिर्फ एक पुजारी के रूप में देखिए जो आपकी शरण में रहना चाहता है। मुझे आशीर्वाद दीजिए। आपने तो आशीर्वाद दे दिया, अपनी बेटी से तो पूछिए उसे ये रिश्ता मंजूर है या नहीं। लड़की जात जब इस तरह शर्मा कर मुस्कुरा कर चली जाए, समझो उसे रिश्ता मंजूर है। बाबूजी, मैं तो
खुशी से जुग जुग जिए मेरी लाडली। कितनी प्यारी लग रही है, देखो तो रवि साहब सिर्फ रिश्ता तय होने जा रहा है और ये सुहागरात की दुल्हन जैसी शर्मा रही है। कितनी खुश है। अरे भाभी जी, उससे तो ज्यादा उसका बाप खुश है। मेरा दिल बार बार उछल कर बाहर आ रहा है। संभाल के रख। अच्छा, वरना जमीन पे गिर गया तो दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। मुबारक हो प्रधान जी। नमस्कार रवि बाबू। बधाई। अरे बेटा आ गया तू। माँ ये सब क्या है? मैं आज नेहा से तेरी मंगनी कर रही हूँ। मेरी मंगनी? हाँ। लेकिन माँ। लेकिन क्या? बताता हूँ, पहले इन सबसे कहो कोई यहाँ से जाए। आप लोग जाइए। रुक जाओ, कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। माँ मैं तुमसे कुछ अकेले में बात करना चाहता हूँ। मेहरबानी करके आप लोग जाइए। माँ मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। ये क्या कह रहा है तू? क्यों मंजूर नहीं है? क्या बुराई है नेहा में? माँ रिश्ता लड़की का खानदान देखकर किया जाता है और ये खानदान मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, इसीलिए रिश्ता मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे तू कौन होता है फैसला करने वाला? मैंने जो फैसला किया है वही मानना होगा। जब नेहा पैदा हुई थी तभी मैंने उसे अपनी गोद में रखकर जानकी से वादा किया था। आज से ये इस घर की बहू है और तू मेरे मेरे अरमानों को ठोकर मारना चाहता है। मैं तुझे ऐसा कभी नहीं करने दूंगी। तुझे आज अभी इसी वक्त नेहा से मंगनी करनी होगी। मैं मजबूर हूँ माँ, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि मैंने धामपुर के शंकर जी की बेटी चंदा से शादी करने का वादा कर लिया है। उनसे वादा करने से पहले तुझे ये भी याद नहीं रहा कि मरते समय अपने पिताजी को तुमने क्या क्या वचन दिए थे? माँ मुझे हर वचन याद है और उसी वचन को निभाते हुए बचपन से लेकर आज तक मैं उन लोगों की मदद करता रहा, मगर उसके बावजूद उसके बाप उसके भाई को रत्ती भर शर्म नहीं आई। अगर इज्जतदार होते चाहे गरीब भी होते तो भी मैं उनके घर से रिश्ता करने से कभी इनकार नहीं करता, लेकिन उन लोगों ने मेरी सेवा और मेरी हमदर्दी का नाजायज फायदा उठाया है। वो हरकतें की कि उनसे रिश्ता करना तो दूर, दुश्मनी करने को भी मन नहीं करता। और इसीलिए तूने उस दो कौड़ी के आदमी की बेटी से शादी करने का वादा कर लिया? माँ वो भले ही दो कौड़ी के हों लेकिन उनके पास इज्जत और शर्म हया की दौलत है। तो उस दौलत को तू ही चाटता रहे। अगर वो लड़की इस घर में आएगी तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। अपनी बहू से इतनी नफरत है तुझे? वो मेरी बहू नहीं है, मेरी बहू नेहा है। बस एक ही बहू है मेरी। अगर मेरी पसंद की बहू इस घर में नहीं आती तो मैं भी इस घर से बाहर जा रही हूँ। ये तेरा आखिरी फैसला है? पत्थर की लकीर है मेरा फैसला, मगर तू भी याद रखना मेरे अरमानों के साथ तूने मेरा दिल तोड़ा है। तू भी कभी सुखी नहीं रह सकता। याद रखना मेरी बात को, तू कभी सुखी नहीं रह सकता। माँ मंगलम पुंडरी का मंगलम खुश रहो। भगवान तुम दोनों को मेरी उम्र भी दे दे। समाज के रीति रिवाज के मुताबिक तो लड़की वालों को दहेज भी देना पड़ता है, लेकिन मैं तुम्हें इस बेटी के अलावा और कुछ नहीं दे सकता। नहीं बाबूजी, आपने मुझे देवी जैसी बेटी दे दी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस खुशी के मौके पर मेरी तरफ से छोटी सी भेंट स्वीकार कीजिए। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत करो। इनकार मत कीजिएगा बाबूजी। आप अपने दामाद को नहीं बेटे को दुख दे रहे हैं। जी हाँ, आज से मैं आपका दामाद नहीं बेटा हूं। Na 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 na, na 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 na, ho. Oh!
गुरु तुमने मेरी वो देखी? क्या देखी? देखता नहीं मैं खाना खा रहा हूँ, दूर खड़ा हो जा। मैं कौन सा तुम्हारे खाने के साथ तुम्हारे पेट में जा रहा हूँ, अपनी थाली देख रहा हूँ। तुमने मेरी थाली देखी क्या? थाली?
तेरी गंदी बदबूदार भिखारी की थाली मैं देखूं। मैं? बहुत अच्छे। चोर के घर में चोरी तो सुना था, पर फकीर के झोले में चोरी में पहली मरतबा देख रहा हूँ। बकवास बनकर। बकवास नहीं कर रहा हूँ, अर्ज कर रहा हूँ। पहले आपको मेरे साये से भी नफरत थी। वो तो आज भी है। भिखारी बनना आपको पसंद नहीं था? तो कौन बनना चाहता है भिखारी, भिखारी साला? तो फिर ये भिखारी की थाली में खाना क्यों खा रहे हो? ये तेरी थाली है? जी मेरी थाली है। जो बेड में क्या वो भी निकालो। वो तो निकलेगा ही, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? साला तेरा गंदा खाना गलती से खा गया, अब तेरे भिखारीपन के कीटाणु मेरे पेट में चले गए तो मेरा क्या होगा? तुम्हारी बर्बादी। क्या बोला? सामने। बस बस शाबाश। भिखारी। बोलो जात भाई। ये बुढ़ा कौन है? ये उस लड़की का बाप और रवि का ससुर लगता है। रवि एक मिनट रुको बेटा। ये कौन है बेटा? जानकी चाची। आओ बेटी। भगवान तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। अब दाहिना पांव आगे रखकर अंदर जाओ बेटी। ए जानकी, पत्नी मेरी और आशीर्वाद दुश्मनों को। तेरी अकल मर गई या आंखों का पानी मर गया? दोनों जिंदा है। मेरी आंखों का पानी नहीं मरा, इसीलिए तो मैंने रवि और उसकी पत्नी को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद? हमारी जिंदगी उसके एहसानों की कर्जदार है। तुमने जो ये कड़क स्त्री वाला जोड़ा पहना है ना, ये भी उसी का दिया हुआ है। इस तरह तो कोई दरवाजे पे खड़े भिखारी को भी नहीं झिड़कता। जिस तरह तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें झिड़का ना, अगर कोई मुझे झिड़कता ना तो मैं बिना पानी के कुएं में कूद के जान दे देता। कुआं ढूंढू? हरामखोर, तू क्यों हर वक्त मेरी जख्मों में चिंगारियां भरने आ जाता है? अगर वापस ही जाना था तो यहाँ आए क्यों थे? देवी जी, बागीजी से आम लेके आऊं? हाँ ले आ। जी अच्छा। अरे बाबूजी कहाँ गए? सीधे हाथ से सीधे ऐसे 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 कर। बाबूजी ये औरतों का काम है, छोड़िए ना। छोड़ दिया छोड़ दिया। बस ये हॉर्लिक्स की बोतल साथ रख रही हूँ, रोजाना दूध में मिलाकर पिया करना। ये बीमारों को पिलाने का आटा है, मुझसे नहीं पिया जाएगा। नहीं आपको पीना पड़ेगा। अच्छा। और हाँ, लोगों के लिए गाय भैंस खरीदने के लिए कड़कती धूप में मंडियों के चक्कर लगाना बंद कर दो, तबीयत खराब हो गई तो कौन ख्याल रखेगा? अच्छा अच्छा ठीक है। और हफ्ते में दो चक्कर जरूर लगा लेना। अरे दो क्या, चार चक्कर लगाऊंगा मैं। तुझे देखे बगैर मैं जी सकता हूँ क्या? नहीं बोल बोल तू। और ये रवि अभी तक नहीं आया। अरे लो नाम लिया और आ गया। बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, बड़ी लंबी। बाबूजी गांव जा रहे हैं। क्यों? अरे भाई घर देखना है, काम काज देखना बस है। बस बाबूजी बस, बहुत काम कर लिया आपने, अभी काम करने की आपकी उम्र नहीं रही है। अभी बैठ के आराम कीजिए और गांव वापस जाने का ख्याल दिल से निकाल दीजिए। अरे भाई मेरी बात तो सुनो तुम। देखिए अगर अपने दामाद के लिए आपके दिल में जरा सा भी प्रेम जरा सा भी मान होगा तो आप ये घर छोड़कर जाने का नाम नहीं लेंगे। आगे आपकी मर्जी। अरे क्या कह दिया इसने, तू समझा इसको। मैं क्या समझाऊं, ठीक ही तो कह रहे हैं। और अब मैं कहती हूँ अगर आपके दिल में उनके लिए जरा सी भी इज्जत है तो आप नहीं जाएंगे, आगे आपकी मर्जी। अब मेरी क्या मर्जी, जो तुम दोनों की मर्जी वो मेरी मर्जी। कोई काम ढंग से नहीं करती हरामखोर, चुप, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। हाँ हाँ मार डालो ना, भूखे पैसे रहकर जिंदगी गुजार लेते तो अच्छा है, एक ही बार मर जाऊं ताकि तुमसे छुटकारा पाऊं। क्या मुझसे जबान चलाती है? मुझसे जबान चलाती है? आराम और कमीनी। बस सुबह हुई और आप दोनों का झगड़ा शुरू हो गया। माँ
तुम चुप हो जाना। जुबान चलाती है, मेरे सामने जुबान चलाती है। अरे सवेरे सवेरे जुबान काट कर उस भिखारी को सब्जी खिलाऊंगा उसकी। थू 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 थू। साले सवेरे सवेरे मनुष्य लोगों की मनुष्य शक्ल देख ली, पता नहीं आज पानी भी नसीब होगा कि नहीं। क्या देखती है? धनो जी, बीबी जी, ये इनके घर में झगड़ा क्यों हो रहा था? अब कहाँ बताएं बीबी जी, वो दीदी है ना, उनका आदमी एक नंबर के निकम्मे हैं, एक फूटी कौड़ी भी नहीं कमाते। तुमरी सास उनके घर में दाल चावल नमक देकर उनका घर चलाया करती थी, पर तुमरे आने के बाद ये सब बंद हुई गवा। वो बात का है कि उनकी बेटी नेहा की शादी अपने रवि बाबू से होने वाली थी, पर रवि बाबू ने इनकार कर दिया और शादी आपके साथ कर ली। बस यही कारण माँ जी गुस्से में आकर घर छोड़कर चली गई और जानकी दीदी का इस घर में आना जाना बंद हुई गवा। चाची चाची। अरे चंदा बेटी, आओ बेटी आओ, इसे यहाँ रख दे। अच्छा, ये सब मुझे गैर मत समझिए चाची, आज से मुझे भी अपनी बेटी की तरह समझिए, इसे रख लीजिए। नहीं बेटी, तेरे आने से पहले भी इस घर का बोझ रवि ही संभालता था, पर तब की बात और थी, तब के रिश्ते संबंध और थे, मगर अब भी हम लोग तुम पर बोझ बने, ये ठीक नहीं है बेटी। क्या मेरे उस घर में कदम रखते ही वो सब रिश्ते टूट गए? आज अगर मेरी जगह आपकी बेटी आपको ये लाकर देती तो क्या आप उसे भी ये जवाब देती? चाची, मेरे पैदा होते ही मेरी माँ गुजर गई, मैंने ना उनकी सूरत देखी और ना ममता पाई। चाची, मैं तुम्हें अपनी माँ मानकर अपनी माँ के चरणों में एक छोटी सी भेंट रखना चाहती हूँ, इसे स्वीकार करके अपनी बेटी पे एहसान कर दो माँ, एहसान कर दो। ये क्या किया तूने? तुम चुप रहो माँ, मेरी जिंदगी में आग लगाकर तुझे चैन नहीं मिला जो ये भीख देकर हमारी बेइज्जती करने आई है? नेहा, निकल जा यहाँ से, तू मरेगी तभी मुझे सुकून मिलेगा। तूने और तेरे दो कौड़ी के दलाल बाप ने मेरे रवि को मुझसे छीन लिया है। देखिए, आप मुझे चाहे कुछ भी कह लीजिए मगर मेरे बापू को कुछ मत कहिए, नहीं तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। बर्दाश्त नहीं होगा? निकल जाए यहाँ से, निकल जा, निकल जा, अंदर, निकल जाए यहाँ से, मैं कहती हूँ निकल जा, चली जा, मां छोड़ दो मुझे। उसकी नादानी और गलती पर मैं तुमसे माफी मांगती हूँ बेटी, मुझे माफ कर दो। नहीं, माँ के हाथ आशीर्वाद देने के लिए उठते हैं, माफी मांगने के लिए नहीं। तेरी माँ के हाथों का अपमान मत करो माँ। चंदा, क्या बात है? नेहा ने तुम पर हाथ उठाया? नहीं तो आपसे किसने कहा? बीबी जी, हम तो बस इतना कहें कि धनो, मुझसे झूठ मत कहो चंदा, मेरी कसम खाकर कहो उसने तुम पर हाथ उठाया कि नहीं। देखिए, ये औरतों का मामला है, इसमें मर्दों को नहीं बोलना चाहिए। तुम्हें मेरी कसम, तुम मुझे सच सच बताओ। देखिए, वो ना समझे, अगर गुस्से में आकर उसका हाथ उठ भी गया तो कौन सी कयामत आ गई? अरे उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी पर हाथ उठाने की? मैं अभी जाकर उसका दिमाग ठिकाने पे लगाता हूँ। ऐसा मत कीजिए। तुम हट जाओ चंदा। आप मेरी बात तो सुनिए, नेहा की जगह अगर मैं होती तो मेरा भी हाथ उठ जाता। चंदा, देखिए, हमारी शादी को सिर्फ 6 महीने हुए हैं और मेरा ये हाल है कि मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। वो तो आपके साथ बचपन से पलकर बड़ी हुई है, सारी जिंदगी आपको अपना जीवन साथी बनाने के सपने देखती रही, अचानक उसके सपने टूट गए, सारे अरमान खाक में मिल गए। ऐसी हालत में तो पत्थर भी टूटकर बिखर जाएगा। वो तो सिर्फ एक इंसान है, एक कमजोर लड़की, उसके दिल पर क्या बीती होगी। और दूसरी बात, आपके कारण उस घर का चूल्हा जलता था,
आज उनका कोई सहारा नहीं है। गांव वाले तो यही समझते होंगे कि आपने मेरी वजह से उनसे रिश्ता तोड़ा, और सच तो ये है मैं ही उनकी बर्बादी का कारण हूँ। मेरी वजह से नेहा का दिल टूटा। तुम कैसी बातें कर रही हो चंदा? मेरी एक बात मानेंगे, शादी से पहले जैसा रिश्ता और बर्ताव उनके साथ था वैसा ही बर्ताव अब भी कीजिए। एक बात और, आपकी माँ जी जहाँ कहीं भी हैं जाइए और उन्हें फौरन वापस ले आइए। माँ को? चंदा तुम मेरी माँ को नहीं जानती, वो तुम्हारा जीना मुश्किल कर देगी, सुबह शाम जली कड़ी बातें सुनाकर तुम्हारी जिंदगी को नर्क बना देगी। वो सिर्फ जली कड़ी बातें ही करेंगी ना, मुझे जलाकर मार तो नहीं डालेंगी। अगर मेरे प्यार में व्यवहार में सच्चाई होगी तो अपनी सेवा से एक दिन मैं उनको प्रेम और आशीर्वाद देने के लिए मजबूर कर दूंगी। एक आदर्श पतिव्रता का असली धर्म यही होता है। वाह, तुम इतनी ज्ञान की बातें कैसे करने लगी? मैं तो समझता हूं कि तुम एकदम बुद्धू और ना समझ किस्म की लड़की हो, ये घर संसार की बातों की तुम्हें कोई जानकारी नहीं। अच्छा, और अगर अगले 6 महीने में मैं माँ बन गई तो तब भी आप मेरे बारे में ऐसे ही सोचेंगे? बिल्कुल समझ। माँ, तुम माँ बनने वाली हो? अरे ये खुशखबरी मुझे पहले क्यों नहीं बताई? आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। कहीं दूर परियों की नगरी में चलकर मोहब्बत का एक आशियाना बनाते। अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो हम चांदनी से रानी सजाते। कहीं दूर परियों की नगरी में चलके मोहब्बत का एक आशियाना बनाते। अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। यहाँ पर वहाँ पर बिखेरे गलियां महकती रहेंगी ये फूलों की गलियां। ये झिलमिल कर रेशमी से नजारे चलेंगे यहाँ धड़कनों के इशारे। आंगन में पहरा बिठाते अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते। बरसे वफाओं के बादल भिगो कर हमें तो ये कर देंगे पागल। यहाँ हम बहारों की चादर
खुशबू यहाँ पर लुटाए। नगरी में चलकर मोहब्बत का एक आशियाना बनाते। अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो हम चांदनी से राहें सजाते, कदमों में तेरे सितारे बिछाते। तो हम चांदनी से राहें सजाते, तो कदमों में सितारे बिछाते। बीबी जी, आपकी गोरी कलाइयों में चूड़ियां कैसे खिल रही हैं? ये लो तुम्हारे पैसे। धन्नो, ओ धन्नो। ये बीबी जी क्या बात है? सुन, तू जरा दर्जी के पास जा तो, उसने आज कपड़े देने का वादा किया था और अभी तक सीकर नहीं लाया। त्योहार पर क्या पहनेंगे? अच्छा बीबी जी, हम बाबूजी के लिए पत्थर की खान पर खाना लेके जा ही रहे हैं ना, लौटते समय दर्जी से कपड़े लेते आवेंगे। नहीं धनो, तू खान पर नहीं जाएगी, आज मैं खुद उनके लिए खाना लेके जाऊंगी। आप ऐसे हालत में इतनी दूर खान पर कैसे जाएंगी? अपने पैरों से। आज हमारी शादी की सालगिरह का दिन है, मैं उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। अरे बाबू, पहाड़ी में बम लगा दिया है। अच्छी बात है, सारे मजदूरों से कहो इस तरफ आ जाए। जाओ। अरे भाई सब लोग इधर आ जाओ, बम फटने वाला है। ए तू भी आ जा। चलो भाई, चलो, 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 सब लोग आ गए। ठीक है। रवि बेटा, वो देखो, वो पहाड़ की तरफ से चंदा आ रही है और बम वहीं फटने वाला है। चंदा, चंदा रुक जाओ। बेटे रुक जाओ, बम फटने वाला है। चंदा, चंदा, बाबूजी क्या हो गया? आप जल्दी से गाड़ी ले आइए, इसे हॉस्पिटल ले जाएंगे। जाइए। चंदा, चंदा, मेरा बहुत दर्द है। नहीं चंदा, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत कम है, मेरी मेरी बात सुनिए, मुझसे मुझसे वादा कीजिए, आप मेरे बाबू को अपने से कभी अलग नहीं करेंगे। कभी नहीं। उनका दिल, चंदा, उनका दिल बच्चों जैसा है। वो मेरी चिताई का, वो मेरी चिताई का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। चंदा, चंदा, उन्हें उन्हें संभाल लो। बेटे की तरह, बेटे की तरह उनके साथ साथ रहना। वादा कीजिए, वादा कीजिए। वादा चंदा, मैं हमेशा उनके साथ रहूंगा। चंदा, चंदा, चंदा। अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो चंदा, में तेरे चंदा, चंदा मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, चंदा मेरी बच्ची, मैं मुझे क्या? बाश बाश बाश।
तभी बेटा पत्थर की लकीर है मेरा फैसला, मगर तू भी याद रखना तूने मेरे अरमानों के साथ मेरा दिल तोड़ा है, तू भी कभी सुखी नहीं रह सकता, याद रखना मेरी बात को, तू कभी सुखी नहीं रह सकता। मेरी काली जुबान से उस दिन क्या क्या निकल गया था, मुझे क्या पता था सच हो जाएगा, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। किस्मत के लिखे को कौन बदल सकता है मां, चंदा को मुझे छोड़कर जाना था, चल गई। बेटा भूल जा पुरानी बातों को, समझना तूने सपना देखा था, आंख खोली तो सपना खत्म हो गया, अब फिर से नई जिंदगी शुरू कर बेटा, कुछ नहीं कहेगा, अब तेरी कोई जिद नहीं चलेगी, तुझे अपना नया घर बसाना ही होगा, और अगर इनकार किया तो मैं हमेशा के लिए तुझे छोड़कर काशी से चली जाऊंगी। माँ, ये तुम कैसी बातें कर रही हो भाभी, चंदा इस दुनिया से गई है मगर रवि के दिल से नहीं गई है, ऐसी हालत में जाकर मैं रवि से ये कहूँ कि मेरी बेटी से शादी कर ले, मेरी जबान चलकर खाक नहीं हो जाएगी। भाभी जी आप बिल्कुल सही पत्ते की चाल चल रही है, ये बातें इस बेवकूफ के दिमाग में कभी नहीं आएगी, इसको जोड़ पत्ता खेलना नहीं आता, फिर जोड़ी जमाना क्या मालूम, हर वक्त भगवान से डरती रहती है, ऐसा करेंगे तो भगवान वैसा करेगा, वैसा करेंगे तो भगवान ऐसा करेगा, अरे भगवान को जो करना है वो तो करता नहीं, फिर फालतू काम में अपना टाइम क्यों बर्बाद करेगा वो, बेवकूफ कहेगी। भाभी जी किसी भी तरह मेरी बेटी की शादी रवि से करवा दीजिए, बहुत बुरा हाल चल रहा है, भीख मांगने की नौबत आ गई है, देखो कितना दुबला पतला हो गया हूं, कपड़े ढीले हो गए, ये कमीज है ना कंधे पर नहीं टिकती, धोती कमर पे नहीं टिकती, चलते चलते उतर जाती है। लेकिन भाभी तू तो काफी मोटी होके आई है, किस चक्की का आटा खा रही थी वहां, चुप। अरे देख देख चुड़िया कितनी तंग हो गई है, लाला उतार कर दे, मैं अभी सुनार से ढीली करवा के लाता हूँ ना। चल हट, जितना कमीना तुझे छोड़कर गई थी तू तो उससे भी ज्यादा कमीना हो गया है रे, अरे हरामखोर शमशान में आधे जले मुर्दे, मेरी चूड़ी छोड़ और तेरी बेटी और मेरे बेटे की जोड़ी बनाने की सोच। अरे उसके तो मैंने पूरे पत्ते जमा करके रखे हैं। क्यों गोपाल चाचा क्या हाल है? अरे भैया बहुत बुरा हाल है, मैं तो सोचता हूँ जहर खाकर खुदकुशी कर लूँ, दामाद ने घर से निकाल दिया। निकाल दिया? क्यों निकाल दिया? बोला हरामखोर, वो ससुर निहायत बेशरम और कमीना होता है जो दामाद के घर से सिंघाड़े की बेल की तरह चिपका रहता है, अब हम कोई रवि बाबू के ससुर थोड़े ही हैं। मालिक ऐसा बेवकूफ दामाद सबको दे। भगवान से कहना पहले मेरा भला कर, ये ले 10-10 रुपए, तुमने तो 50-50 देने को कहा था, आधे बाजी खेलने पर आधे बाजी जीतने पर, अभी तो सिर्फ पत्ते बांटे हैं, चल जा। भाभी जी क्या है रे? मुझे लगता है अब हमारे ताश की आखिरी बाजी खेलने का वक्त आ गया है, किसी ओझा पंडित को बुलवाओ। वो किस लिए? अरे तुम्हारे घर में शनि घुस आया है शनि, जब तक वो निकलेगा नहीं ना तुम बाजी जीतोगी नहीं और तुम्हारे घर में सुख शांति भी नहीं आएगी, इसलिए जल्दी से उसकी पूजा करा के उसे भगा दो, चलो। अरे इस घर में तो डबल शनि घुस आए थे, एक की तो आत्मा परलोक से धार गई पर दूसरा दीवारों से चिपका हुआ है। अरे जब तक ये चला नहीं जाता ना तेरा बेटा सही चाल नहीं चलेगा, हाँ और मेरी बेटी के गले में मंगलसूत्र भी नहीं बंधेगा, इसलिए तो कह रहा हूँ कि किसी पंडित को बुलवा कर इस मनु शनि को इस घर से हकाल दो। मेरा ख्याल है हमारी बात का मतलब शनि की समझ में आ गया है। मैं अपने दामाद के लिए जान भी दे सकता हूँ अगर मेरे जाने से रवि बेटा की मुरझाई हुई जिंदगी में
इससे बाहर आ सकती है तो मैं चला जाता हूं। नमस्ते। ए दलाल रुक। क्या क्या दिखाती है ये जिंदगी, हंसने भी न दे रोने भी न दे, है हमसे तो रूठा हमारा नसीबा, हम अपने ही घर से निकाले गए, हाँ निकाले गए। ये क्या क्या दिखाती है ये जिंदगी, ये क्या क्या दिखाती है ये जिंदगी। अरे ताश के 52 पत्ते, 55 छक्के 70, सबके सब मेरे भाई, सुन लो ओ घर जाई। ये क्या हो रहा है? अब नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, जरा हवा में अटक गया था। ये चंदा की तस्वीर कहाँ गई? ओ ओ भाभी जी बताइए ना, वो तस्वीर कहाँ गई? वो तेरा ससुर ले गया। हाँ बाबूजी ले गए। कहाँ ले गए? बाबूजी हैं कहाँ? वो अपने गांव वापस चला गया। गांव? हाँ मैंने बहुत मना किया, मगर कहने लगा जिसके कारण मैं यहाँ रहता था वो ही नहीं रही, अब मुझसे यहाँ रहा नहीं जाएगा। क्या? हाँ बिल्कुल यही कहा उन्होंने, और अपने हाथों से चंदा बेटी की तस्वीर उठाई और चले गए। मैं अभी मालूम करके आता हूँ। अरे ठहर बेटा ठहर, अब वहाँ जाके फायदा क्या है? जिससे तूने शादी की थी उसी की दहेज में वो यहाँ आया था, अब वो ही मर गई तो उसका और तेरा रिश्ता भी मर गया। हाँ ठीक बोल रही हूँ मैं, और हम लोग मर गए क्या जो एक अजनबी राह चलते के लिए तू इतना परेशान हो रहा है? चल खाना खा ले, मरने दे उसको। माँ, कभी भूल कर भी बाबूजी के खिलाफ एक भी शब्द निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे राम, मुझे तो शक है कि तुम ही लोगों ने उनके साथ जरूर गलत बर्ताव किया होगा और वो घर छोड़कर चले गए। अगर तुम लोग की बात झूठ साबित हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे बापरे, बेटा तुम? बाबूजी सच सच बताइए क्या हुआ, उन लोगों ने आपसे क्या कहा? नहीं नहीं किसी ने कुछ नहीं कहा, दरअसल मैं खुद ही चला आया। लेकिन आप क्यों चले आए और यह तस्वीर कैसे टूटी? इंसान की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, ये तो फिर भी एक तस्वीर है बेटा। चंदा की मौत ने हम दोनों को अंधेरे में धकेल दिया था, और उस अंधेरे में मेरी परछाई भी तुम्हें चंदा की याद दिलाएगी, और फिर संस्कार भी यही कहते हैं कि मेरा चलाना ही ठीक था। मैं संस्कार वंस्कार कुछ नहीं मानता, आप भूल गए, मरते वक्त चंदा ने आपकी जिम्मेदारी मुझ पे सौंपी थी और मैंने उसे वचन दिया था। उस दिन से मैं आपको अपना ससुर नहीं बल्कि पिता मानता हूं। बेटे के जज्बात की कदर कीजिए बाबूजी। मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूं? नहीं करते आप, नहीं करते, अगर आप करते तो इस तरह वहां से चले नहीं आते। मैंने चंदा से इसलिए विवाह किया, उसके गले में मंगलसूत्र इसलिए पहनाया कि मुझे आप जैसा नेक सरपरस और पिता समान ससुर मिल जाएगा। इस दुनिया में मेरा आपके सिवा कोई नहीं है बाबूजी, सभी यह अपने मतलब के हैं। अगर आप भी मुझसे दूर चले जाएंगे तो मैं किसके सहारे जीऊंगा और क्यों जीऊंगा? ऐसी बातें मत करो रवि, मैं जिंदा हूं तो सिर्फ तुम्हारे लिए और तुम्हारी खुशी के लिए। मेरी खुशी इसी में है कि आप मेरे साथ चलिए। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, चलिए। पहले सुन लो, मेरी शर्त यह है कि तुम फौरन नेहा बिटिया से शादी करो। बाबूजी ये आप क्या कह रहे हैं? रोशनी को गले लगाने से
अंधेरे और परछाइयां खुद ब खुद दूर हो जाएंगे बेटे। और फिर नेहा एक अच्छी लड़की है, बचपन से तुम्हें अपना पति मानती है। मैं चाहता हूं तुम नेहा से शादी कर लो। लेकिन बाबूजी, देखो अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा सी भी इज्जत है, अगर तुम वाकई मुझे अपना पिता समझते हो, तो फौरन जाओ शादी का मुहूर्त निकाल कर लाओ, और जिस दिन शादी का निमंत्रण पत्र लेकर आओगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम्हें चंदा की कसम। लगता है गुरु ये खाने की और तुम्हारे मुंह की बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। क्या मतलब? नहीं, मतलब जब आदमी दूसरे का खा रहा हो, हाँ। वो भी दो दो निवारे ले रहा हो, आधा मुंह में जा रहा हो आधा बाहर गिरा रहा हो, इसका मतलब ये कि खाने की प्रैक्टिस छूट गई है। ये तुम ले लो, हाँ। मैं दूसरा भीख मांग के खा लूंगा। अरे बेरंगी, वो बेरंगी बेरंगी, अरे मुंह संभाल कर पत्ता फेंक बुढ़िया। तकदीर ने वैसे भटका मारकर हमारा रंग निकाल दिया, ऊपर से तू बेरंगी बोल रही है। हमारा नाम चौरंगी है, चौरंगी। अरे हाँ हाँ, वही चौरंगी हो या नारंगी क्या फर्क पड़ता है। अब नाच खुशी से तू जल्दी मेरा समधी बनने वाला है। मैं समझा नहीं। अरे रवि ने नेहा से शादी करने के लिए हाँ कह दी है। उसके हाँ कहने से क्या होता है, इस हुकुम के बादशाह ने तो अभी तक हाँ नहीं की है। तो क्या तू शादी से इनकार करेगा? बिल्कुल करूंगा। अरे मैं कोई ईंट का लंगड़ा थोड़ी हूँ, मेरी भी कुछ शर्तें हैं। शर्तें? मुंह जले, तेरी कैसी शर्तें रे? बताता हूँ, पहले रवि की जमीन जायदाद मेरे नाम करवाओ। क्या? हाँ, फिर ये शादी होगी वरना नहीं होगी। अरे जाजा, बड़ा है जमीन जायदाद अपने नाम कराने वाला, तू क्या समझता है? तू इनकार करेगा तो ये शादी नहीं होगी? तू है कौन, खुजली वाला गली का कुत्ता? तुझे तो मैं बारात में भी नहीं बुलाऊंगी। तू वहाँ भिखारियों की तरह दूर खड़ा रहे तमाशा देख रहा होगा, और यहाँ शादी का जश्न चल रहा होगा। ये शादी मैं करा के दिखाऊंगी। मैं गुरु, माना कि मुंह को खाने की प्रैक्टिस छूट गई है, मगर जबान हिलाकर बात करने की प्रैक्टिस भी छूट गई है क्या? हाँ, और क्या, तुम बहुत ऊपर उड़ रहे हो। अरे कवे को ऊपर उड़ना चाहिए मगर हवाई जहाज के जितना नहीं, वरना ऊपर जाके पर टूट जाएंगे तो चूहा बन के नीचे गटर में गिर के मर जाएगा। क्या मतलब? अरे मतलब ये कि बुढ़िया की बात मान लो, अगर तुम इस शादी से इनकार करोगे तो तुम्हारी हालत मेरी जैसी हो जाएगी। भीख मांगते फिरोगे, गली गली में आवाज लगाओगे, अम्मा 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 अम्मा। गुरु, खड़े खड़े सपने में भीख मांगना शुरू कर दिया? नहीं नहीं भाभी, ओ भाभी, अरे मुझे ये शादी मंजूर है, जल्दी से शादी के कार्ड छपवाओ। ओम विश्वानिस देव से दुर्दानी परासो यद वद्रम दनासम और हिरण में गर्वा वो तुसे जाता पतिरे काशीत। आ बेटा, ये मेरी शादी का निमंत्रण पत्र। जीते रहो बेटा, आज मेरी नजरों में तुम्हारी इज्जत और बढ़ गई। ये क्या, तुमने निमंत्रण देने वाले की जगह मेरा नाम क्यों लिखवा दिया? बाबूजी, आप मेरे और मेरे परिवार के बुजुर्ग हैं, इसलिए आपका नाम लिखवा दिया। लेकिन बेटा, मुझ जैसे छोटे और गरीब इंसान का नाम पढ़कर तुम्हारे रिश्तेदारों को बुरा नहीं लगेगा? बाबूजी, ना आप छोटे हैं और ना ही गरीब, ये शादी मैं सिर्फ आपको दिए हुए वचन को निभाने के लिए कर रहा हूं। आप वहां आए ये मेरे लिए सबसे खुशी की बात है, और कोई ना भी आए तो परवाह नहीं। बेटा, तुम जैसा इंसान मेरा दामाद हो, मेरे लिए इससे बढ़कर तकदीर वाली बात और क्या हो सकती है। तुम मेरे दामाद ही नहीं, मेरे मेरे बेटे भी हो बेटा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलम तन्नो हरि। नेहा, नहीं बेटा, दुनिया वालों ने खामखा की रस्म बना दी है कि शादी के बाद बड़े बूढ़ों के पांव पड़ना चाहिए। नेहा बिटिया, के दिल में मेरे लिए बहुत श्रद्धा है, लेकिन लोगों के सामने दिखाना नहीं चाहती। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है बेटा। जानकी, आज मैं बहुत खुश हूँ, नेहा की शादी का सबसे बड़ा बोझ मेरे सर से उतर गया, अब मैं जिंदगी भर ऐश करूंगा। ओ, भरी हो जेब तो मटका निगल कर ऊंग लेते हैं, अगर ये जेब खाली हो तो दारू सूंग लेते हैं। अरे वाह, तक क्या पासेर का शेर मारा है। अब चुप, मैं पी रिया ना पिला रिया, मुख में शोर मचा रिया,
पौवे चौके कहीं के जमकर चले कल अंगूर की बेटी मिले ना मिले ना मिले ना मिले आओ गुरु करे पीना शुरू आज तो जाम पे जाम जमकर चले कल अंगूर की बेटी मिले ना मिले ना मिले ना मिले मिले ना मिले ना मिले ना मिले आओ गुरु करे पीना शुरू आज तो जाम पे जाम जम कर चले कल अंगूर की बेटी मिले ना मिले ना मिले ना मिले
कुत्ता हमारे ऊपर क्यों दिखा रही हो? ये चौरंगी लाल से पूछो, इन्होंने ये घर हमारे सेठ को बेच दिया है। घर बेच दिया? हाँ। क्यों रे चौरंगी, तूने घर बेच दिया? मुंह लटकाए क्या बैठा हुआ है, बोल। इसके अलावा मेरे पास कोई चारा ही नहीं था भाभी जी। जिंदगी भर इस जानकी को खिलाते खिलाते लोगों का कर्ज इतना चढ़ गया कि मुझे रास्ते से निकलना मुश्किल हो गया। ऊपर से ये नेहा, इसकी शादी सर पे आ गई, पैसे कहाँ से लाऊं? घर बेच दिया। तुमने नेहा की शादी पे एक फुटी कौड़ी भी खर्च नहीं की है। खर्च रवि ने किया है, भाभी ने किया है, तुमने क्या खर्च किया? मैंने काहे का खर्च किया है? ये लीज पढ़ोगी ना तो पागल हो जाओगी, पागल। अरे ताश के गड्डी में उतने पत्ते नहीं होते जितने शादी ब्याह में खर्चा होता है। अब घर छिन गया है तो हम सर छुपाने कहाँ जाएंगे? बेचारे बेघर हो गए, अब कहाँ दर दर भटकते फिरेंगे। मेरा कहा मानो, इन्हें अपने घर में शरण दे दो। ऐसी हालत में अगर तुम इन्हें सहारा नहीं दोगे तो गांव वाले क्या सोचेंगे? उन्हें अपने घर बुला लो बेटा, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। अरे अभी दर दर भटकने कहाँ जाएंगे? आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, आज से हमारे घर में रहेंगे। ओह भगवान आ गया, भगवान भगवान आ गया। मुझे देखकर उठे नहीं। नहीं नहीं बैठे बैठे, आप लोग बैठे रहिए। बैठे तो है, खड़ा कौन है? बैठे भिखारी, जब बड़े आदमी को देखकर छोटे आदमी खड़े नहीं होते ना तो ऐसा ही बोलना पड़ता है। भिखारी कहीं का। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। मुझे देखकर पहले खड़े नहीं हुए, अब हुए। देख देख, जरा मुड़ के देखना तू। ओह अरे बाप रे, दामाद जी आप, मुझे लगा ये लोग मेरे स्वागत में इज्जत के पत्ते फेंक रहे। भाइयों, आप लोगों को इसलिए यहाँ बुलाया है कि आज के बाद मेरे सारे कारोबार, घर, खेत, जमीन, हर चीज की जिम्मेदारी मेरे ससुर जी के जिम्मे है। ये अच्छा, आज से सब कुछ वही संभालेंगे। बाबूजी, नहीं, ये क्या कर रहे हो बेटा? आपको अपनी जिम्मेदारी सौंप रहा हूं, इसे संभालिए। नहीं बेटा, वो सारी जिम्मेदारियां मैं वैसे ही संभालूंगा, वो मेरा कर्तव्य है, लेकिन इन चाबियों को संभालने की जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा। देखिए बाबूजी, ये हमारी जमीन जायदाद और इज्जत का मामला है, ये किसके सुपुर्द की जानी चाहिए और किसके नहीं, ये मुझे अच्छी तरह से मालूम है। लीजिए, जाओ सब अपना अपना काम करो। जी, नमस्ते, नमस्ते। बाबूजी, मैं जरा शहर जाकर आता हूं। बेटा मैं भी खेत चलता हूं। ए गए, क्या कर रहे? ए समझ रहे क्या? काट रहे थे? ए छोड़ दे, ए शंकर, ए उस शंकर के बच्चे को आज मैं नहीं छोड़ूंगा। ए दलाल, ए शंकर, बाहर आ जा,
सारा दूसरे गायों का कंगाल, जानवरों का दलाल, बाहर आ जा। अबे तू बाहर आता है या मैं अंदर आ जाऊं? बाहर आ जा। ये क्या पागलपन है? शराब पीकर सारे मोहल्ले को क्यों इकट्ठा कर रहे हो? इस मोहल्ले की ऐसी की तैसी है और उसके साथ तेरी भी ऐसी की तैसी। दलाल, अबे दलाल बाहर आ जा, मैं तो माँ बहन की गालियां देना शुरू कर दूंगा। बाहर आ जा। चौरंगी लाल जी, क्या कर रहे हैं आप? शराब पी के घर के बाहर खड़े होकर आप गाली गलौज कर रहे हैं? दामाद जी क्या कहेंगे? अबे तेरा कहेगा दामाद रे, तेरा कहेगा दामाद। चल जल्दी से सारी चाबियां लाकर मेरे हाथ में रख दे। सुनिए, चल। देखिए चौरंगी लाल जी, अगर आपको चाबियां चाहिए तो अपने दामाद से मांगिए। अगर वो मुझे कहेंगे तो मैं चाबियां आपके हाथ में दे दूंगा। अरे दामाद कौन होता है चाबियों का ऑर्डर देने वाला? ये हुकुम का एक का तुझे हुकुम करता है। चल जल्दी दे दे चाबियां, जल्दी दे चाबी। देखिए आप चाहे तो मेरी जान ले लीजिए, लेकिन दामाद जी की इजाजत के बगैर मैं चाबियां हरगिज नहीं दूंगा। तू मुझे चाबियां नहीं देगा? नहीं दूंगा। तू मुझे चाबियां नहीं देगा? नहीं दूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। अरे मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। हेलो, क्या हो रहा है सब? शराब पीकर आप गुंडागर्दी कर रहे हैं, एक शरीफ आदमी को धौंस दे रहे हैं, शर्म नहीं आती आपको? मुझे बेशर्मी पर उतरने के लिए तुमने मजबूर किया है। तुम मेरे दामाद हो, मैं तुम्हारा ससुर हूँ, लेकिन ये फालतू पत्ता हमारी सीक्वेंस क्यों खराब कर रहा है? ये कौन है जिसको तुमने सारा काम जमीन खेत फोक दिया है? ये मेरी मर्जी है, तुम कौन हो तो मेरे जाति मामले में दखल देने वाले? देखो कानून के गड्ढी के सारे पत्ते मुझे मालूम है, और कानूनन ये सारी जायदाद तुम्हारी पत्नी की यानी मेरी बेटी की है। अगर तुम नहीं दोगे ना तो मैं हाईकोर्ट जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, पार्लियामेंट के टेबल पर सारे पत्ते फेंकूंगा और बोलूंगा कि ये 2-3-5 की सीक्वेंस मेरी है, बाजी मेरी है, और साला माल ये उठा रहा है, मुझे मेरा हिस्सा वापस देना। तो जाओ पार्लियामेंट में जाकर अपना हिस्सा मांग लो, प्राइम मिनिस्टर पोटली में बांध के दे देंगे। अरे पार्लियामेंट में तो जाओ यार, मुझे धक्का देता है, अपने ससुर को धक्का देता है, देखा अपने ससुर को धक्का देता है, बड़े आदमी को धक्का देता है, साले इसके बहकावे में आके मुझे धक्का देता है। खबरदार, आज के बाद किसी ने भी इस वाहियात शराबी आदमी को घर में कदम रखने दिया तो। चलिए बाबूजी। भाभी देखा तेरा बेटा मेरी कैसी बेइज्जत करके चला गया, ये बुड्ढे शंकर के वजह से ये सब हुआ, उसको समझा भाभी जी। अरे साले बुड्ढे चले गए क्या बुड्ढे साले? जानकी, ए जानकी देख मेरे बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, तू जाके समझा जरा उनको। अरे तू भी जा रही क्या? अरे जानकी सब चले गए और गली के कुत्ते की तरह मैं अकेला बाहर खड़ा हूँ। तुम सब मेरी तरफ क्या देख रहे हो? मुझे घर से बाहर निकाल दिया, चलो मैं तुम सबको गांव से निकाल दूंगा। चलो जाओ भाई, चलो तमाशा देखते हैं। ये हवा भरी हुई गजली कहाँ से आ गई? उठिए गुरु सरकार, लीजिए पीजिए चाय गर्मा गर्म। नहीं, मेरे लिए सुबह सुबह गर्मा गर्म चाय, वो भी इतने सम्मान के साथ? वाह भाई लंगड़े वाह। तुम सिर्फ तन के लंगड़े हो, मन में चार चार टांगे हैं तुम्हारी, तुम महान हो, हम तुम्हें सलाम करते हैं। सलाम मुझे? वो क्यों? इसलिए कि तुम हमारे लिए गर्मा गर्म चाय लाए। लाओ यार, 2 दिन से चाय नहीं पी है मैंने। ला गुरु। ये चाय तुम्हारे लिए नहीं है, ये मेरे लिए है। हाँ, ये मेरा सेक्रेटरी है। क्या जी? नमस्कार। क्या रे सेक्रेटरी, हमारे लिए आज का अखबार नहीं लाया? हिंदी? इंग्लिश का पेपर अब तक मार्केट में नहीं आया, ये हिंदी का अखबार लाया हूँ सरकार। अच्छा तुम जरा दूर हटके बैठो, हम मजे ले लेके अखबार पढ़ते हैं और चुस्की ले लेके चाय पीते हैं, और चाय पीते वक्त हम सड़े हुए लोगों की शक्ल नहीं देखते। ये देख,
अब तू सिर्फ अखबार पढ़, अखबार पढ़, और पढ़ते वक्त एक भी शब्द गलत बोला ना तो ये डंडा तेरे मुंह में ठोस दूंगा मैं। तू डरना नहीं, ये बेचारा घरेलू परेशानी से पागल हो गया है। सुबह क्या बोलता है? मैं थोड़ा खाने का ऑर्डर दे रहा हूँ। सेक्रेटरी जरा रॉयल होटल जाओ, वहाँ स्पेशल पराठा, कोरमा और बिरयानी, जितना भी रात का खाना बचा सब लेकर आ जाओ। ओके सर, तुम्हारे लिए भी कुछ मांग कर ले आऊं? तेरी तो लंगड़े, तू जाता है या तेरी दूसरी टांग तोड़ दो। अरे ये ठीक हो गया? ये पार्ट टाइम लंगड़ा है, अभी नाके पे जाके अंधा हो जाएगा। तू कब अंधा होगा? रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। ये सुबह से मेरे घर के सामने तमाशा क्या लगा रखा है? देखो ये हालत हो गई है मेरी, ये साले भिखारी भी मेरा मजाक उड़ाने लगे। चुप रहे जानकी, दामाद से कहकर मुझे अंदर ले ले, मैं वादा करता हूँ कि मैं कोई बदतमीजी नहीं करूंगा। हाँ, और ये भी वादा करता हूँ कि अगले जन्म मैं सिर्फ तुम्हारा पति बनकर ही जन्म लूंगा, बस। ना बाबा ना, मैं तुमसे इस एक ही जन्म में हार गई। अरे अरे अरे, अगले जन्म में मुझे जानवर बनना मंजूर है। अच्छा? लेकिन तुम्हारी पत्नी बनना बिल्कुल मंजूर नहीं। अरे क्यों? और सुनो दूसरी बात, मुझे अपनी बेटी की जिंदगी संवारनी है। मैं तुम्हारे लिए उसकी जिंदगी नरक में नहीं डाल सकती, इसलिए मैं दामाद से तुम्हें घर में लेने की कोई सिफारिश नहीं करूंगी। नहीं तू मेरी बात, अरे जानकी, अरे एक कप चाय तो देकर जाना। अरे राम, साले भिखारी को भी यहाँ चाय। अच्छा हुआ साली पनवती चली गई। ए राम सुनो, साला इधर ही है। रात जब तुम फटी हुई चटाई की तरह यहाँ पड़े हुए थे तो मैं समझा तुम सिर्फ ससुर की हैसियत से गिर चुके हो, मगर अभी पता चला कि तुम तो पति की हैसियत से भी गिर चुके हो। तुम्हारी हैसियत तो मेरे उस लंगड़े सेक्रेटरी से भी खराब है। एक काम करो, जरा दूर बैठो, मेरी इज्जत में फर्क आ रहा है। राम और मैं छोड़ूंगा। ओ डीली पैंट, क्या है इधर आओ। ये क्या है? 10 पैसे। काहे के लिए? भीग दिया आपको। भीग दिया? 10 पैसे आज के जमाने में गटर में गिर जाए तो गटर उठा के बाहर फेंक देता, तू मुझे 10 पैसा भीख में दे रहा है? इससे ज्यादा हम लोग देते हैं। 1 रुपए ले मेरी तरफ से, जाके चाय पी लेना और मेरे बच्चों को दुआई देना जो अभी तक पैदा नहीं हुए। चल चल, फकीरों का स्टैंडर्ड खराब करने चले आते हैं भाई यार, नालायक। कौन है भाई? अरे गुरु, आप बिना लाइसेंस के फकीरों के लाइन में क्या कर रहे हैं? अबे भिखारी, मैं क्या यहाँ भीख मांगने आया हूँ? तो भिखारियों की लाइन में क्या कर रहे हो, चंदा देने को आए हो क्या? अरे मेरी बेटी नेहा अंदर गई है। अच्छा? उसे मिलने आया हूँ भीख मांगने के वास्ते। अरे नहीं। ओ वो आ गई। माई, एक 5 रुपया दे दे। बेटी। अरे पिताजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तेरे ही रास्ते पे आंखें बिछाए बैठा हूँ बेटी, बर्बाद हो गया हूँ, दामाद ने घर से बाहर निकाल दिया, भूखा हूँ, कोई सहारा नहीं, कुछ कर दे बेटी। रवि से कहकर मुझे घर के अंदर ले ले, वो तेरी बात नहीं टाल सकता क्योंकि तू उसकी पत्नी है। जी नहीं पिताजी। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे पत्नी का दर्जा ही नहीं दिया। क्या? ये तू क्या कह रही है बेटी? मैं सच कह रही हूँ पिताजी, आज तक उन्होंने ठीक से बात तक नहीं की, ऐसे में मैं आपकी सिफारिश कैसे कर सकती हूँ? ओह ये बात है हा? अरे ऐसी बाजी तो मैं बिना पत्ते की खेल सकता हूँ। तू फिकर मत कर, घर जा, रात को तेरी जिंदगी बदल जाएगी। मैं समझी नहीं। मैं जैसा कहता हूँ वैसा कर, वो तुझे अपना बना लेगा और मुझे गड्डी में फिट कर देगा।
कसम याद है। अरमानों को क्यों ठोकर मार रहे हैं? मैं आपसे दौलत नहीं मांगती, जेवर जमीन जायदाद कुछ नहीं मांगती, सिर्फ आपका प्यार मांगती हूँ। आखिर मैं भी एक औरत हूँ। सरदर्द की एक मामूली गोली मंगवाने के लिए भी उस बुड्ढे से भीख मांगनी पड़ती है। सबसे पहले अपनी जबान ठीक करो, और अगर मांगने में शर्म आती है तो मत मांगो। नहीं, सबसे पहले उस बुड्ढे को घर से निकालना पड़ेगा। ये कौन सी आवाज थी? आपने जो आइडिया दिया था ना, हाँ? उसकी आवाज थी, जिसकी गूंज से पास के गांव के पंछी भी उड़ गए होंगे। मुबारक हो। चुप! एक देवता जैसे इंसान को बुढ़ा बुढ़ा कहकर तुम उनका अपमान कर रही हो, और ये तुम नहीं, तुम्हारे बाप की गंदी शिक्षा बोल रही है। आज मैं तुम्हें पहली और आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं, अगर आइंदा मेरे सामने बाबूजी के खिलाफ एक भी शब्द निकाला तो मैं तुम्हारा क्या अंजाम करूंगा तुम सोच भी नहीं सकती। गुरु, मेरे को बहुत कसके घबराहट हो रही है।
ऐसा लगता है जैसे थप्पड़ों, जूतों और गालियों की बहुत जोरदार बारिश होने वाली है, इसलिए यहाँ बैठना बहुत खतरनाक है। निकल चलो। चलो पुष्पा। ए पुष्पा, कल इसी वक्त आना, फिर हम मोहब्बत का जोड़ पत्ता खेलेंगे। जरूर आना, भूलना नहीं। जा जा। बुड्ढा साला गुरगुर के देखता है, क्या देख रहा है, कभी देखा नहीं क्या? शर्म नहीं आती तुम्हें ये पाप करते हुए? कल को अगर तुम इसके नाजायज बच्चे की मां बन बैठी तो सारा गांव तुम पर थूकेगा। कहां लेके जाओगी तब उस बच्चे को? मैं क्या करूं बाबूजी? इसने मुझे डराया, धमकाया, मेरे साथ जबरदस्ती की और बाद में मुझे लालच दिया कि अगर मैं इसकी हो गई तो ये मुझे खेती के लिए जमीन और इसमें बोरिंग पंप लगा के देगा और मैं बीबी जी, माँ जी, बाबूजी जल्दी चलो जल्दी। क्या बात है, क्यों चिल्ला रही है? माँ जी खुशखबरी है, खुशखबरी, बीबी जी को उल्टी हो रही है। सच? हाँ। मुबारक हो भाभी, तुम दादी बनने वाली हो। वाह, मतलब मैं नाना बनने वाला हूँ। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। बेटी, दिन रात मैं एक नवासे का सपना देखा करता था, वो तूने आज पूरा कर दिया। मैं सारे गांव वालों को खाने का न्योता देकर आता हूँ। मैं गोकुल हलवाई को अच्छी से अच्छी मिठाई बनाने को कहता हूँ। सारे गांव वाले बस, किस बात की खुशी है और किस बात की मिठाई बांटना चाहते हो? शादी के दिन से लेकर आज तक उन्होंने मुझे एक पत्नी की हैसियत से नहीं देखा, उनकी परछाई तक मुझ पर नहीं पड़ी। हम पति पत्नी सिर्फ दिखावे के हैं। क्या बेटी, तूने ये बात आज तक मुझसे छिपाई क्यों रखी? आने दे उसे आज घर में। नहीं भाभी, तुम रवि से कुछ नहीं कहोगी, ये पति पत्नी का अपना मामला है। देख बेटी, तू अपने दिल पर हाथ रखकर सोच कि रवि ने किन हालात में तुझसे शादी की है। अपने पति को अपना बनाना अब सिर्फ तेरे हाथ में है। जब तक उसके दिल से पुरानी यादें मिट नहीं जाती, तब तक तुझे सब कुछ सहना पड़ेगा और इस तरह सबके सामने अपनी जाती जिंदगी के भेद खोलकर तू अपने पतिव्रता धर्म का अपमान करिए बेटी। तो क्यों फंसाया मुझे तुम लोगों ने जंजाल में, बताओ? मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी है, भगवान मुझे मौत भी नहीं देता। अरे बाबूजी, कहाँ जा रहे हैं? मैं गांव जा रहा हूं। क्यों? इसलिए कि तुमने मेरी बात नहीं मानी। कौन सी बात बाबूजी? मैंने तुम्हारी शादी नेहा से इसलिए नहीं करवाई कि तुम उसकी जिंदगी दुख से भर दो, उसे वो अधिकार ना दो जिसकी वो हकदार है। चंदा मर चुकी है, वो तो वापस नहीं आ सकती ना, तो उसकी याद में नेहा बिटिया की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? उसका क्या कसूर है? तुम जैसा इंसान जिसने दुनिया के दामन में सुख के फूलों के सिवा कुछ नहीं डाला, वो अपनी बीवी के दामन में दुख के कांटे क्यों डाल रहा है? और जहां तक मेरी बात है, मैंने नेहा को उसी दिन अपनी चंदा मान लिया था जिस दिन तुमने उसे शादी की थी। नेहा मेरी बेटी है, मैं उसकी आंखों में दुख के आंसू नहीं देख सकता। बाबूजी, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। अगर तुम मेरी जरा सी भी इज्जत करते हो तो तुम नेहा को वही प्यार और वही इज्जत दोगे जो चंदा को दिया करते थे। नेहा बेटी, ये साड़ी और ये जेवरात मेरी बेटी चंदा पहना करती थी, आज मैंने तुम्हारे पास लाया हूं क्योंकि क्योंकि चंदा की जगह अब तुम हो। मैं तुम्हारा बाप तो नहीं हूं, लेकिन तुम्हें
तुम्हें बेटी मानने वाले बाप की ही इच्छा है कि रवि के दिल में चंदा की जगह अब तुम ले लो। पिताजी, एक बार फिर से कहो। पिताजी, चंदा के जाने के बाद मुझे ऐसा लगता था कि मेरी जिंदगी में चंदा की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन आज तुमने वो जगह ले ली। पिताजी, आपका ये प्यार मुझ पर एहसान है और आपकी ये तोहफे मुझ पर कर्ज है। पिताजी, नहीं बेटी, आप बेटी का रिश्ता तो बहुत पवित्र होता है, एहसान और कर्ज की दुनिया से बहुत दूर। इसे रख लो बेटी, रख लो, खुश रहो, जीत रहो। सब देखकर दुखी मत होइए। ये साड़ी और जेवरात चंदा दीदी के हैं। पिताजी ने खुद मुझे पहनने को कहा है। अगर आपको बुरा लगता है तो इन्हें उतार देती हूँ। अरे अरे अरे, चौरंगी भैया, ये उंगलियां टेढ़ी कैसे हो गई? साला, रात को मैं रॉयल होटल में चिकन बिरयानी खाने गया था। चिकन बिरयानी की खुशबू सुनकर एक कुत्ता मेरे पीछे आ गया। मैं भागा, कुत्ता मेरे पीछे भागा, मैं गिर गया और मेरी उंगली में जख्म हो गया। जल्दी से किसी डॉक्टर को दिखाओ, कहीं कुष्ठ रोग या कोढ़ की बीमारी ना हो जाए। भाई, कोढ़? इरादा क्या है तुम्हारा? इरादा क्या है तुम्हारा? कुछ नहीं चौरंगी, ऐसे तो निकाल दिया। आप कोड बताकर गांव से भी निकालने का इरादा है क्या? नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। कमाल है, अरे आप ये सिखाता है? तेरे को होगी कोड की बीमारी। तुझे क्या हो गया? पिताजी, पिताजी, क्या बात है बेटी? मैं तुम्हें नहीं, पिताजी को बुला रही हूँ। पिताजी, क्या बात है बेटी? खेत से जल्दी वापस आइए, मुझे आपके साथ बाजार जाना है। अच्छा बेटी। सुनो, तेरा हाथ फैला ना तू। ये क्या है? भीख मांगने की प्रैक्टिस करा रहा हूं। तुम्हारी जिंदगी उस सड़े हुए झोपड़े की तरह है जिसके नीचे जमीन नहीं है, ऊपर छत नहीं है, चारों तरफ दीवारें नहीं है। अरे तुम्हारी जिंदगी में बचा क्या है? एक ससुर की पदवी थी, उसे गिरा दिए गए। पति की पदवी थी, वो छीन गई। खाली एक बाप की पदवी बची थी, उसमें से दो मिनट पहले नेहा बेटी ने धड़म से गिरा दिया। अभी रखा क्या तुम्हारी जिंदगी में? ये लोटा पकड़ो, भीख मांगने चलो, आसानी में रहोगे। ठीक है, सताने दो उनको, आज उनके हुकुम के पत्ते भारी है, लेकिन एक दिन मेरे पत्ते भी भारी हो जाएंगे, जिस दिन मेरा बेटा जेल से छुटकर आएगा। विक्रम, मेरे ताज के एके, अरे मेरे दिल का सरूर, मेरी आंखों का नूर, और पता नहीं क्या क्या। आजा, गले लग जा बेटे, गले लग जा। अरे तू तो बलात्कार के केस में अंदर चला गया, लेकिन यहाँ मेरी जिंदगी पर बलात्कार हो गया। अब तू आ गया है तो अपनी शैतानी दिमाग के पत्तों से कुछ चाल चल, उस साले शंकर के बच्चे को घर से बाहर और मुझे अंदर करवा दे। अरे जवाब में कुछ पत्ता तो फेंक, क्या सोच रहा है? सोच नहीं रहा हूँ, अपनी तकदीर को कोस रहा हूँ। क्यों? कि मैंने तुझ जैसे पापी बाप के घर जन्म क्यों लिया? अरे काश मैं शंकर जी जैसे महान आदमी के घर पैदा होता। वो मुझे भले ही दो वक्त पेट भर की रोटी न खिलाते, मगर शराफत और ईमानदारी से जीने का तरीका तो सिखाते।
अरे मेरे कारण मेरे देवता समान जीजा जी का सर तो नीचा ना होता, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाज की सेवा तो करता मैं। अरे तू वही विक्रम है या उसका हमशक्ल? मेरा बेटा लगता ही नहीं तू, बिल्कुल बदल गया। हाँ मैं बदल गया हूँ, और यही बात मैं दिन रात मेहनत करके मेरी माँ और जीजा जी को साबित करके दिखाऊंगा, जरूर दिखाऊंगा। अरे कोई नहीं मानने वाला, अगर भेड़िया ने कह दिया कि मैंने मांस खाना छोड़कर चने मुरमुरे खाना शुरू कर दिया है तो कोई नहीं विश्वास करेगा, समझा? अगर मैं उनको विश्वास न दिला सका तो मैं जहर खाकर जान दे दूंगा। जीते रहो बेटा, जो इंसान अपनी गलती का एहसास कर लेता है वो भगवान की नजरों में एक अच्छा इंसान बन जाता है। बाबूजी, आप देवता हैं, बाबूजी आप देवता हैं। मेरी बहन की उजड़ी हुई जिंदगी आपने फिर से आबाद कर दी। जो काम मेरे इस पापी बाप को करना चाहिए था वो आपने कर दिखाया। मैं बहुत बुरा इंसान था बाबूजी, बहुत बुरा इंसान था मैं, मगर अब मैं सुधर गया हूं, बिल्कुल सुधर गया हूं। मगर मैं जानता हूं मेरे जीजा जी और माँ कभी मेरा विश्वास नहीं करेंगे, वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। क्या बोलते? कभी माफ नहीं करेंगे। भैया, भैया तुम गलत सोच रहे हो, हम सब चाहते थे तुम सुधर जाओ, तुम्हारे जीजा जी भी यही चाहते थे। रवि बेटा, पुरानी बातों को भूल जाओ और विक्रम को माफ कर दो। नहीं बाबूजी, मैंने जीजा जी को इतने दुख दिए हैं कि वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, कभी नहीं। विक्रम चलो घर चलो, सत्यानाश हो जाए सबका। आओ। माँ आ गया साला। थू 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 थू। गुरु लानत है तुम पर, आज एक और पदवी से गिरा दिए गए। पहले दामाद ने निकाल दिया, बेटी ने ठुकरा दिया, बीवी ने भगा दिया, एक बेटा बचा था उसने भी आके मुंह पे इतना थूक दिया। मैं तो बोलता हूँ उसी थूक में डूब के खुदकुशी कर लो, यही अच्छा है। चलो भाइयों चल के खाना खा लो। लेकिन बाबूजी धनिया अभी तक खाना लेके नहीं आया आपका। अरे तुम लोगों का खाना खा लूंगा, चलो। अच्छा सुनो भाई। रहिए भाई साहब, किससे मिलना है? रवि बाबू से। रवि बाबू तो शहर गए हैं, कोई खास काम? हाँ, हम शुगर फैक्ट्री से आए हैं। अच्छा। गन्नों की खरीदारी के लिए 50,000 रुपए एडवांस देने थे उन्हें। मुझे दे दीजिए, मैं उनको दे दूंगा। क्या तुम्हें? जी हाँ, मैं उनका ससुर हूँ। अच्छा आप उनके ससुर हैं? हाँ। आपको कोई शक है? चुम्बन भाई, मुझे तो लगता है ये सरफिरा पागल ये कोई चलता पुरजा है। नमस्ते मालिक। नमस्ते। 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 रवि बाबू को ये एडवांस की रकम देनी थी इसलिए आया। ये रकम बाबूजी को दे दीजिए, ये रवि बाबू के ससुर हैं और मेरे पिताजी। माफी चाहता हूँ, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। अब आपको यकीन आ गया कि मैं रवि बाबू का ससुर? जी हाँ। अच्छा ये लीजिए। अच्छा नमस्कार, शुक्रिया। नमस्कार। कमाल लोग हैं, आदमी को उसके कपड़ों से पहचानते हैं। पिताजी आपने भी तो अजीब सी हुलिया बना रखी है, कितने गंदे कपड़े पहने हैं। अरे तो क्या हुआ, आदमी को उसके कपड़ों से नहीं पहचानते, उसकी आत्मा गंदी नहीं हो जाती अगर उसके कपड़े गंदे हों। अच्छा चलिए खाना खा लीजिए। तू खाना क्यों लेकर आई, धनिया कहाँ है? आज मैं आपको अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी, हाथ मुंह धोकर आइए, मैं खाना परोसती हूँ। अच्छा ठीक है, ये पैसे संभाल के अलमारी में रख देना, मैं हाथ पैर धोकर आता हूँ। बाबूजी, बेटा ये पैसे? बाबूजी ये 50,000 रुपए मुझे नेहा ने दिए हैं ताकि मैं अपने लिए कोई नया धंधा शुरू कर सकूं, और साथ में ये भी कहा है कि इन पैसों के बारे में मैं किसी से कुछ न कहूं। लेकिन बाबूजी मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि अगर ये बात जीजा जी को पता चल गई तो मेरी बहन का बसा बसा घर उजड़ जाएगा। बाबूजी आप ये पैसे अपने पास रख लीजिए। नहीं बेटे, जो भाई गुमराही से हट जाए, ईमानदारी से दो वक्त की रोटी कमाना चाहे, ऐसे भाई की अगर बहन मदद करे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ये पैसे तो अपने पास रख और इससे अच्छा कारोबार शुरू कर दे। जैसी आपकी आज्ञा बाबूजी, मैं अपने लिए कोई नया काम शुरू कर सकूं इसलिए मुझे आशीर्वाद दीजिए, भगवान तुम्हें कामयाबी दे। और बाबूजी आपसे और एक विनती है, जब तक मैं अपने काम में कामयाब न हो जाऊं इन पैसों के बारे में आप किसी से कुछ मत कहिएगा। ठीक है, नहीं कहूंगा। आप मेरी कसम खाइए। अरे बाबा मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ, नहीं कहूंगा। जी बाबूजी। नेहा बिटिया। जी पिताजी। दामाद जी आए तो कह देना पहरेदार छुट्टी पर गया है इसलिए खेत पर पहरेदारी करने मैं जा रहा हूँ। ठीक है पिताजी, बोल दूंगी। अच्छा। अरे ताल मिले नदी के जल,
ये अच्छा मौका है शंकर को ठिकाने लगाने का। कितना अंधेरा है यार। अरे संभाल के गुरु, रात का समय, ये सांप और बिच्छू पिकनिक मनाने के लिए बाहर निकलते हैं। अरे क्या कर, मैं तुम्हारी रखेल पुष्पा थोड़ी हूँ। ठरक बस। अच्छा एक बात बताओ, ये रास्ता तुम्हारी रखेल पुष्पा के घर की तरफ तो जाता नहीं है, ये आधी रात को तुम मुझे खेत में कहाँ ले जा रहे हो? ये मेरी चाल का एक पत्ता है पत्ता। गुरु तुम्हारे चेहरे के टेलीविजन में मुझे शैतान दिखाई दे रहा है, तुम क्या बेमानी की चाल सोच रहे हो? बताता हूँ, पत्थर तो उठा। पत्थर? पत्थर का क्या करोगे? उठाता या नहीं? ये बुंडा कर दिए, वो पत्थर चलेगा? हाँ चलेगा। जा फिर उठा। मैं उठाऊं? तो क्या मैं उठाऊं? नहीं, मुझसे नहीं उठाया जाएगा। अच्छा, दामाद की पहाड़ जैसी गालियों का बोझ उठा सकते हो, इतने से पत्थर का बोझ नहीं उठा सकते? अरे उठाता है या नहीं रे, भिखारी के औलाद है। अरे मैं कमजोर भिखारी हूँ, मैं दुआओं का बोझ नहीं उठा सकता, ये पत्थर का बोझ मुझसे कहाँ उठेगा? एक काम करो ना, तुम उठाओ ना, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। जाओ ना, चलो दोनों। ये क्या कर रहे हो? धक्का दिया। उठा, लगा दो, शाबाश। अरे उठाओ तो सही, डालो सर इसके नीचे, सर सर सर, शाबाश। ये तो बहुत वजनी है, बहुत वजनी है। चलते रहो, बहुत वजनी है। थोड़ी देर के बाद वजन नहीं लगेगा। क्यों? आदत पड़ जाएगी ना। चलो चलो मैं मदद करता हूँ। ये तू क्या कर रहा है? बोझ मेरे सर पे और हाँ तू रहा है? मैं तुम्हारा दुख बांट रहा हूँ। अब ऐसा थोड़ी हो सकता है कि तुम पत्थर भी उठाओ, हाँपने का काम भी करो, इसलिए तुम खाली पत्थर उठाओ, हाँपने का काम मैं करता हूँ। बाबूजी। अरे रवि बेटा, तुम इस वक्त यहाँ, जाओ जाकर आराम करो। आराम करने की उम्र आपकी है बाबूजी, देखिए कितना खांस रहे हैं, जाइए घर जाकर सो जाइए। लेकिन नेहा बिटिया को अकेला छोड़कर तुम यहाँ? एक रात की तो बात है बाबूजी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, जाइए। अच्छा। चक्कर क्या है इसका, कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो तो पागल होना चाहिए या तो। अरे गुरु, गुरु, अरे गुरु मर गए, मेरे गुरु मर गए। तुम दूसरे के लिए खड्डा खोदते थे, उसमें खुद गिर के मर गए। अरे तुम मरे नहीं अब तक? मुझे उठा यार। सब रोना हराम में गया, छी सारी मेहनत पानी में गई। अरे बाप रे, लगता है सत्ते पे अट्ठा मारने से पहले ही मैं मर जाऊंगा। काश ऐसा हो जाए, मैं तो लड्डू बांटूंगा। तेरी तो साला मुझे हर वक्त गालियां देता है साला जा। जल्दी जल्दी करो, नर्स तुम जल्दी से ऑपरेशन की तैयारी करो, हरी अप जल्दी। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा कैसा है? देखिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, बहुत बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा, बाकी जिंदगी देना ना देना ऊपर वाले के हाथ में है।
जो भी आया है तेरे द्वारे ओ माता शेरावाली, जो भी आया है तेरे द्वारे ओ माता शेरावाली, तूने सबको दिए सहारे, तूने सबको दिए सहारे ओ माता शेरावाली। बाबू को होश आ गया बाबूजी। हां बाबूजी, जय माता दी। जी, दुर्गा माँ की कृपा से आप बिल्कुल अच्छे हो गए हैं। घर चलने से पहले एक बार दर्शन कर लीजिए। रवि बाबू, नमस्ते। नमस्ते। शंकर जी कई दिनों से नजर नहीं आ रहे हैं, ये जरा रसीद उनको दे दीजिएगा। कैसी रसीद? वो गोपाल बाबू के खेत शंकर जी ने 50,000 रुपए में खरीदे थे, उसकी रसीद है। शंकर जी ने खेत खरीदे कब? ये एक महीना पहले की बात है।
क्या हुआ जी? तुझे उसी दिन चेतावनी दी थी, आज उल्टियां हो रही हैं, कल वो पाप जन्म लेकर सारी दुनिया के सामने आ जाएगा। तेरी तो बेइज्जती होगी, साथ में चौरंगी लाल भी बदनाम होगा, और उस बदनामी के छींटे दामाद जी के दामन पर भी गिरेंगे। भगवान ने बड़ी मुश्किल से दामाद जी को नई जिंदगी दी है, अब अगर उन्हें ये बात भी पता चल गई तो उनके दिल पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, और ये सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है उनमें। अब मैं क्या करूं बाबू जी? जब बच्चा पैदा होगा तो बात तो खुलेगी ना। तू ऐसा कर, तू दूसरे गांव चली जा। कैसे जाऊं? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। पैसे तो मेरे पास भी नहीं है। तो ये अंगूठी बाजार में जाकर बेच दे, मैं कुछ और पैसे को इंतजाम करने की कोशिश करूंगा, लेकिन ख्याल रखना ये बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए, दामाद जी की इज्जत का सवाल है। जा, सब ठीक हो जाएगा। जा, जा। दामाद जी आ गए। दामाद जी, आरती का सामान। दामाद जी आ गए। आओ रवि। रवि बाबू नमस्ते। अरे नमस्ते, फिर आ गए आप लोग। आपसे कहा ना अभी नहीं, अभी तो अस्पताल से लौट के आए हैं। जाइए, फिर कभी आइए। बेटा तुम अंदर जाकर आराम करो। शंकर जी, अचानक पैसों की जरूरत पड़ गई है, इसलिए आप हमें एडवांस की रकम वापस दे दीजिए। बाबूजी, आप इनकी रकम लाइए और इन्हें लौटा दीजिए। कितनी रकम है जी? 50,000। बाबूजी, आप खड़े क्यों हैं? जाइए। बेटा वो रकम तो बेटा आपने किसी काम के लिए खर्च कर दिया क्या? नहीं नहीं बेटा, तुम्हें बताए बगैर मैं कैसे खर्च कर सकता हूँ? तो जाइए और लेकर आइए। आप तुम जाके लेकर आओ। तो फिर कहां गए? अरे जीजा जी, जरा इनसे पूछिए तो, इन्होंने गांव में जो खेत खरीदा है उसके लिए इनके पास 50,000 रुपए कहां से आए? विक्रम तो झूठ कह रहा। दामाद जी, मैंने कोई खेत नहीं खरीदा। आप ये क्या बात कर रहे हैं शंकर जी? आपकी याददाश्त तो ठीक है ना? आपने खेत खरीदा है और जीजा जी खुद इस बात के गवाह है। अरे बेटा ये झूठ है। इन्होंने जो रकम मुझे एडवांस में दी थी वो मैंने नेहा को देकर अलमारी में रखवा दी थी। फिर एक दिन ये मेरे पास 50,000 रुपए लेकर आया और कहने लगा कि नेहा ने फिर से इसे अपने पांव पर खड़ा होने के लिए और जिंदगी की शुरुआत करने के लिए वो 50,000 रुपए दिए हैं। मैंने विक्रम भैया को कोई पैसे नहीं दिए। बेटी, तूने इसे 50,000 रुपए नहीं दिए? नहीं पिताजी। लेकिन इसने तो कहा कि तुमने दिए, और ये भी कहा कि मैं इस बारे में किसी से कुछ ना कहूं। तो मैंने इसे वचन दिया कि मैं इस बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहूंगा। ये झूठ बोल रहे हैं जीजा जी, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, मेरी बीती हुई जिंदगी का फायदा उठाकर मुझे गुनहगार साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर सच्चाई तो आपको मालूम है। ये इन्होंने जो जमीन खरीदी है उसकी रसीद तो आपके पास है ना? ये झूठ है रवि बेटा, ये बिल्कुल झूठ है। अब तो तुम ये भी कहोगे कि तुमने मेरे साथ भी कोई धोखा कोई फरेब नहीं किया। बाबूजी, मैं आज आपसे इंसाफ मांगने आई हूं। इस इज्जतदार आदमी ने मुझे लालच दिया कि ये मुझे 50,000 रुपए की जमीन खरीद कर देंगे, और उस लालच के बदले में ये जानवरों की तरह मेरी इज्जत लूटते रहे। जब इनका बच्चा मेरे पेट में पलने लगा तो मैंने इनसे हाथ जोड़कर विनती की कि मुझे अपना ले, वरना मैं दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूं। इन्होंने मुझसे कहा कि मैं ये बच्चा गिरा दूं और उसका खर्चा बर्दाश्त करने के लिए मुझे ये अंगूठी दी।
ये छोटी सी भेंट सुखा। नहीं नहीं बेटा, इनकार मत कीजिएगा। मैं अपनी मरी हुई बेटी चंदा की कसम खाकर कहता हूं, ये क्या कह रही, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये क्या कह रही है। चुप। देखिए, मुझे भी ऐसा लगता है मेरे पिता और मेरे भाई ने मिलकर इन्हें घर से निकालने की साजिश चली है। रवि बेटा, 50,000 के बारे में तो मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन घर के पिछवाड़े जब ये पुष्पा को अंगूठी दे रहे थे ना, तब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। रवि बेटा, ये सच है कि अंगूठी मैंने इसको दी थी, मगर वहां तो रवि बेटा, रवि बेटा, तुम्हारी वजह से रवि की क्या हालत हो गई। विक्रम, अंदर ले जाओ उसे। रवि बेटा, चलिए जी जी, रुक जाओ, मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ। रवि बेटा रुक जाओ, मेरी बात सुनो। अबे ताश के जोकर फुटे, कहाँ जा रहा है? रवि बेटा चल यहाँ से। रवि बेटा मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। रवि बेटा रुक जाओ, रवि बेटा मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनो, मैंने ऐसा, मैंने कुछ नहीं किया। रवि बेटा रुक जाओ, मैंने कुछ नहीं किया, ये गलत इल्जाम है मुझ पर, रुक जाओ। मैंने कुछ नहीं किया, कहाँ जा रहा है, रुक जाओ, मेरी बात सुनिए, ये गलत है। पिताजी। अरे कौन पिताजी, ये साला सुअर, तेरी माँ का पति मैं हूँ, ये कहाँ से तेरा बाप हो गया, चल अंदर। और सुन बे बुढ़े, आज के बाद इस घर में तो क्या इस गांव में भी नजर आया ना, तो जान से मार डालूंगा, समझा, चल जा। देखे अपने लोग यहाँ पैसों के पीछे भागे हैं, लोग यहाँ पैसों के पीछे भागे हैं, लोग यहाँ झूठी है शान, यहाँ झूठा दिखावा, खुद अपने आप को धोखा देते हैं लोग, ऐसे हैं लोग, ये क्या क्या दिखाते है ये जिंदगी। रेल यात्रा से लौटने के बाद गिरगिट की तरह रंग बदल कर तू जिस तरह रवि के घर में घुसा था, मुझे तो सदमे का सांप सूंघ गया था। लेकिन आज उस शंकर को घर से बाहर निकाल कर तूने मेरा राज मुझे वापस दिला दिया और ये साबित कर दिया कि बेटा बाप से बढ़कर होता है। अरे मैंने ये सब आप ही के लिए किया है बाबूजी, क्या मुझे दुख नहीं था कि कोई पराया आकर मेरे बाबूजी के हक पर राज करे और मेरा बाप पागल कुत्ते की तरह गलियों में भटकता फिरे। अरे बाबूजी, अब आपका बुढ़ापा तो आराम से गुजरेगा ही और मेरी माँ बहन राज करेंगी। लेकिन साली उस पुष्पा का क्या करे, उसका कांटा तुम ढीला करो, मैं उस शंकर का शंख बजाता हूं। उस साले रवि ने मुझे 5 साल के लिए अंदर कर दिया था और आज मैंने उसका सारा माल और जेवर उड़ा दिया, हिसाब चुकता। अरे ओ शंकर, ऐसा सुअर भाई देखा है कहीं पर जो अपनी सगी बहन की तिजोरी को साफ करके खिसक रहा हो? आए। प्यारो, आज की रात ऐश कर लो, क्योंकि कल सुबह होते ही ये सारा माल लेकर हम लोग शहर चलेंगे। मगर उस्ताद, इस शंकर भगवान का क्या करेंगे? इसका, अरे इसे तो विष का प्याला पिला देंगे ताकि लोग ये समझे शर्म से खुदकुशी कर ली इसने। ए विक्रम, इसको 5,000 देके इसका मुंह बंद कर दे साली का। कौन है बे तू? मैं? अरे अपने बाप को नहीं पहचानता? बाप? अरे अपना तो सिर्फ एक ही बाप है और वो है ये पैसा, देख फुसट। ये तू कहां से लेकर आ गया? रवि की तिजोरी से। तू इतना नीच हो गया विक्रम? नीच? और तू कितना नीच है ये भूल गया क्या? जिंदगी भर हराम की रोटियां तोड़ता रहा, पत्नी के होते हुए इस पुष्पा के साथ अय्याशी करता रहा। अरे तुझ जैसे कमीने को कौन बाप बोलेगा रे,
अरे जेल में भी मैंने बाप के नाम की जगह पर आरामी लिखवा दिया था। देखा चौरंगी लाल, दौलत का लालच कैसे इंसानी रिश्तों को भुला देता है। आज तेरा अपना बेटा तेरा दुश्मन बन बैठा है। अब भी वक्त है इसे रोक ले और अपने पापों का प्रायश्चित कर। चौरंगी लाल, अपने पापों का प्रायश्चित कर। करूंगा, जरूर प्रायश्चित करूंगा। विक्रम, तेरी छोटी सी बात ने और एक थप्पड़ ने मुझे वो सबक सिखा दिया जो मैं जिंदगी भर नहीं सीख सकता था। इसलिए आज मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा। अच्छा, कैसे करेगा प्रायश्चित? हाँ, कैसे करेगा? कैसे करूंगा? ये जेवर और रुपया मैं तुझे इस गांव से बाहर नहीं ले जाने दूंगा। वैसे तो दुनिया की सारी बेईमानियां मैंने तुझसे ही सीखी हैं, मगर 5 साल जेल में रहने के बाद एक बेईमानी तुझसे ज्यादा सीखी है, और वो ये कि पैसे के रास्ते में अगर बाप भी दीवार बनकर खड़ा हो जाए तो उस दीवार को भी गिरा दो। ला ये बैग मुझे दे। नहीं दूंगा मैं। ये बैग मुझे दे। नहीं दूंगा मैं। नहीं देगा? अरे ये बैग मुझे दे दे। नहीं दे दे मुझे। नहीं दूंगा। बैग मुझे दे। नहीं दूंगा। ये बैग मुझे दे। रामजादे, ये बैग मुझे दे दे। शक तो मुझे पहले ही था कि ये तुम दोनों बाप बेटों की चाल है। सिर्फ इतना देखना चाहता था कि दौलत की लालच में तुम लोग किस हद तक गिर सकते हो। लालच में आकर मैंने अपने बुढ़े बाप को तो गिरा दिया, अब जवान टकराएगा जवान। बेटा, माफ कर दीजिए बाबूजी, मेरे गद्दार रिश्तेदारों ने आप पर गंदे इल्जाम लगाए। जैसे सोने का मैल साफ करने के लिए उस पर सुहागा लगाना पड़ता है, ऐसे कभी कभी दुनिया को सच्चाई की सूरत दिखाने के लिए उस पर इल्जामों के दाग भी लगाने पड़ते हैं। बेटा रवि, आ, 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 आ,
विक्रम, विक्रम, ये तूने क्या किया चौरंगी? मैंने इस पाप के पौधे को सींच कर बड़ा किया था और उसे उखाड़ कर अपने पापों का प्रायश्चित किया है। मैं एक ऐसा खुदगर्ज था जो अपनी पत्नी और बेटी के लिए नहीं सिर्फ अपने लिए जीता था, और मैं एक ऐसा पापी हूं जिस घर में रहता हूं उसे बर्बाद कर देता हूं। इसलिए इस घर में आप जैसे मेहरबानों की जरूरत है। भिकू मेरे दोस्त, बिल्कुल सही वक्त पे मिल गया तू। तू हमेशा डंक मार मार कर मुझे समझाने की कोशिश करता था, लेकिन मैंने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। हमेशा सच कहता था तू, सच। तू भिकारी नहीं, फरिश्ता है, और मैं भिकारियों का भिकारी हूं भिकू। नहीं गुरु, अरे साला इस संसार में कौन भिकारी नहीं, सब भिकारी हैं। अरे हम पेट के भूखे हैं, रोटी के पीछे भागते हैं, इसलिए रोटी की भिकारी हैं। ये साले दौलत के चाहने वाले दौलत के भूखे हैं, इसलिए दौलत के पीछे भागते हैं, दौलत के भिकारी हैं। ये हवस वाले हवस के पीछे भागते हैं क्योंकि ये हवस के भिकारी हैं। ये कुर्सी को चाहने वाले वोटों के पीछे भागते हैं क्योंकि ये वोटों के भिकारी हैं। गुरु अपने मन से देखो तो इस संसार में हर इंसान हर घड़ी किसी ना किसी चीज के पीछे भागता रहता है। हर इंसान किसी ना किसी चीज का भिकारी है। बस फर्क इतना है कि कोई भिखारी जिसकी तकदीर अच्छी होती है वह अच्छाई बटोर लेता है, और जिसकी तकदीर खराब होती है वो बुराई बटोर लेता है। वाह भिकू, वाह वाह, बिल्कुल सच कह रहा है तू, बिल्कुल सच कह रहा है। लेकिन लेकिन मेरे जैसे कमीने भिखारी को अगर मौत की सजा मिल गई ना, वो भी बहुत कम है भिकू, बहुत कम है। ये तुमने राजाओं जैसी बात की, मेरे महाराज की जैसी। मैं इस महाराज का मंत्री हूं। ये मंत्री अपने महाराज का सारी जिंदगी जेल के बाहर बैठकर भीख मांग मांग कर इंतजार करेगा। आएंगे ना गुरु? अरे भीकू, मेरे भीकू, मेरे लिए जरूर आना गुरु, जरूर आना। चलो